हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन लोगों को मेरा धन्यवाद है। आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं मैं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं मुकुल देव, सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। जुड़ने के लिए धन्यवाद आप लोगों का मुझसे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही हो तो प्लीज आप लिख दें। मेरी आवाज अगर आ रही है, आप तक पहुंच रही है, तो प्लीज आप अपने चैट में लिख दें कि हाँ आवाज आ रही है सर। आवाज अगर आप तक मेरी पहुंच रही हो तो आप उसे लिख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को ये बात पता है कि हम लोग जो है, हम लोग PIB का एक सेशन करते हैं और उस सेशन पे हम लोग जो है चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, बस कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। आज कोई नहीं है क्लास में क्या? आज कोई दिख नहीं रहा है क्लास में? आज क्लास में कोई दिख नहीं रहा है? चलिए, कोई समस्या नहीं है, क्लास में कोई नहीं है, तो मैं ये क्लास तब भी ले लूंगा। स्टार्ट करते हैं। मैं स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं मुकुल देव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहां पर एक सेशन करते हैं और सेशन में हम लोग जो है वो PIB की चीजों पे हम लोग क्या करते हैं, PIB पे एनालिसिस करते हैं। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे खबरें आती हैं, जो खबर आती है, जो न्यूज़ आती है, जो न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ का हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उस न्यूज़ को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। गुड मॉर्निंग। जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेली PIB न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, और जो न्यूज़ एनालिसिस है वो हम लोग करते हैं UPSC CSC हिंदी चैनल पे। UPSC CSC हिंदी चैनल पे, ये यूट्यूब पे है। और इस न्यूज़ के एनालिसिस के साथ साथ जो हमने एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के साथ साथ हम एक काम और करते हैं। हम उस न्यूज़ पे जो मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, जिनकी संभावनाएं हो सकती हैं, या जो टॉपिक है, जो आपके GS फर्स्ट का पेपर का टॉपिक है, GS सेकंड का है, GS थर्ड का है, तो अगर इन टॉपिक से रिलेशन है इसका, इस टॉपिक का जो हम लोगों ने PIB में किया। गुड मॉर्निंग है, जुड़ने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जो GS फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर पे जो मेंस का टॉपिक है हम लोगों का, उस मेंस के टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशंस में, मेंस के क्वेश्चन आंसर सेशंस में लेते हैं। और ये हम लोग लेते हैं सैटरडे को लेते हैं और संडे को लेते हैं, और सैटरडे और संडे हम लोग इस विषय पे ही चर्चा करते हैं कि कैसे हम चीज़ों को, एक कोई क्वेश्चन फॉर्म होगा और उस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ कि आंसर आप ले लीजिए मुझसे। तो ये हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है, जो सैटरडे और संडे वाला, वो B2M चैनल पे है, बिगनर्स टू मास्टर चैनल पे है, बिगनर्स टू मास्टर पे है। तो आप लोग मुझे UPSC CSC हिंदी पे तो फॉलो करते हैं, आप लोग मुझे वहाँ डेली सुनते हैं मंडे टू फ्राइडे,
लेकिन ये सेशन नया स्टार्ट हुआ है, सैटरडे और संडे वाला सेशन जो है वो नया है। तो सैटरडे और संडे का जो सेशन नया है, इस नए वाले सेशन को लेके थोड़ा सा लोगों में अभी जागरूकता का अभाव है कि उनको ये पता नहीं है इसलिए लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको ये पता नहीं है इसलिए लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उनको ये रिकॉर्डेड भी हो सकती है क्लास, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, थैंक यू। तो वहाँ पे हम लोग बिगनर्स टू मास्टर पे इस चीज़ों को करते हैं, और अब हम लोग जो है वहाँ पर ये चीज़ें कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। चलते हैं, अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और अपनी क्लास को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विथ हस, ये एक चैनल है, यूपीएससी सीएससी हिंदी का एक चैनल है। और इस चैनल में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरी की पूरी चीज़ों को यहाँ पर बेहतर ढंग से यहाँ पर हम लोग करते हैं, और ये लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो ये चीज़ें हैं हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। हम लोग जो लोगों का वेट कर रहा था, मैं क्लास को मैं बढ़ाता हूँ, जैसे जैसे लोग जो जुड़ते जाएंगे वो चीज़ें जो है वो जैसे जैसे लोग यहाँ जुड़ते चले जाएंगे चीज़ें आगे होती चली जाएंगी। तो चलते हैं, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और उस सेशन में जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, रिंकी रानी गुड मॉर्निंग, हिना खान गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिंकी रानी, और आप सभी लोगों को का स्वागत करता हूं मैं जुड़ने के लिए। अभिषेक तिवारी लेट हो गए भाई, कहाँ चले गए थे, सो गए थे? अभिषेक तिवारी जी सो गए थे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रात में 11 बजे तक आप लोग मेरा साथ दिए, फिर सवेरे उठ के साथ दे रहे हैं। मैं ईश्वर से चाय पी रहा था, अच्छा ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना ज़रूर करूँगा। अगर इस दुनिया में परम सत्ता है तो वो आप लोगों के जीवन को मंगलमय जरूर करे। और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, रिंकी रानी, हिना खान, अभिषेक तिवारी, सभी लोगों को, गरिमा सिंह को, सभी लोगों को इस बात की शुभकामनाएं हैं मेरी। और देखिए, ये विजयदशमी एक ऐसा प्रतीक है जहाँ पर अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत है, और ये अच्छाई पे जो बुराई पे जो अच्छाई की जीत है ये सतत प्रयास के कारण मिलती है। अगर आपका एफर्ट बहुत अच्छा है, एफर्ट आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप घबराइएगा मत। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हो, हिना खान साहब, दुनिया चाहे जितनी विपरीत हो, अगर आपका एफर्ट डेली का है, 2 ही घंटा आप पढ़ रहे हैं और आप एफर्ट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आप कछुए की चाल से चलने के बाद भी मंजिल पे आपका अधिकार है, आप पहुंचेंगे जरूर। भले द टाइम जो समय है वो ज्यादा लगे, लेकिन आप पहुंचेंगे जरूर, इस बात की गारंटी है। तो अगर आप आज के दिन जहाँ पे कि छुट्टियां हैं, लोग त्योहार मना रहे हैं, और आप मुझे सुनने के लिए तत्पर हैं, आप मेरे साथ मेरा साथ दे रहे हैं, आप अपने ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं, तो डाउट नहीं है। चंदा कुमारी, मैं भी आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, और मेरी भी शुभकामनाएं हैं आपको, और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको देता भी हूँ। तो ये विजयदशमी का जो त्यौहार है, कहीं ना कहीं बुराई पे जो है अच्छाई की जीत है, और अच्छाई तभी जीतेगी जब वो एफर्ट करेगी। आप लोगों में अच्छाई है कि आप लोग लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं, आप लोगों की अच्छाई है कि लगातार आप क्लासेस कर रहे हैं। इस एफर्ट को छोड़िएगा मत, इस एफर्ट को छोड़िएगा मत। अंकित मौर्य साहब, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए आप, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए आप लोग। 11 बजे से मैं आप लोगों को बता दूं कि 11 बजे से ऐप पे, अनअकैडमी के ऐप पे एक क्लास है चंदा कुमारी, अगर आप लेना चाहें तो उसका लिंक मैंने अपने चैनल पे दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक शेयर किया है, आप चाहें तो वहां से जाके आप ले सकते हैं चंदा कुमारी जी। और वहां से अगर आप ले लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे मैपिंग को लिया जाता है, ये मैपिंग का तरीका मैं दिखाऊंगा, मतलब वो पढ़ाना है मुझे, मैं खाली बात नहीं करूंगा, ये पढ़ो वैसे पढ़ो यूं पढ़ो, ये सब मुझे आता भी नहीं है करना। मैं सिर्फ इतना कर पाऊंगा कि आप लोग वहां जब जाएंगे तो उन तरीकों को देखेंगे, और सोसाइटी की मेरी क्लास जो है फिर वही शाम को 4 से 5 और रात में 10 से 11 चलती है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अपने, अब सब लोग आ चुके हैं जो लोग भी मेरे सुनने वाले हैं। थैंक यू सर। हिना खान कितना टाइम है, कितने टाइम पे है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो तो जो ज्योग्राफी की जो मैपिंग की क्लास है वो करंट बेस्ड मैपिंग है, करंट बेस्ड मैपिंग है, मतलब जो करंट में किसी लोकेशन पे अगर बात हुई है,
जैसे मान लीजिए कोई लोकेशन है, बसरचर आइसलैंड पे बात हुई है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने क्वेश्चन बना दिया और उसके बाद मैंने उसका आंसर बना दिया है। आंसर आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा, और जो मैं बताऊंगा वो डिस्क्रिप्शन होगा, और वो डिस्क्रिप्शन जो है वो चार चार पन्ने का है, 2 से 3 पन्ने का तो मिनिमम डिस्क्रिप्शन होगा, और ये जो 2 से 3 पेज का डिस्क्रिप्शन होगा वो वहां पे आपको फ्री PDF है, आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और ये जो टाइमिंग है वो 11 से 12 है, 11 से 12 है। और जो लोग मुझसे सोसाइटी वाली क्लास में जुड़े हैं वो अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। अभिषेक तिवारी जी, आप लिख सकते हैं आपका अपना एक्सपीरियंस कि सोसाइटी की क्लास कैसी चल रही है। सोसाइटी की क्लास हम लोग जो है वो ऐप पे करते हैं, उसका 2 टाइम फिक्स है एकदम, 4 से 5 और 10 से 11 रात में, ये फिक्स है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सोसाइटी की क्लास भी कर सकते हैं। ऐप पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं दिनेश सिंह के नाम से, और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन कर रखा है टेलीग्राम पे, तो उनको वहां से मिल जाएगा, थैंक्स सर, उनको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं। क्रैक UPSC CC इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या मिलेगा आपको, चूंकि ये डेली बातें होती हैं, डेली लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं, लाइव टेस्ट पेजेस हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। आपको ये समझ में, एक बात समझनी होगी सभी लोगों को कि YouTube से ही तो तैयारी हो जाएगी, क्योंकि YouTube से पॉलिटी भी हम पढ़ लेते हैं, YouTube से हम इकोलॉजी भी, ज्योग्राफी भी, नहीं YouTube से पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो YouTube का कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, YouTube का जो कोर्स है स्ट्रक्चर्ड नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि डाउट नहीं, डाउट क्लियरिंग सेशंस नहीं है, डाउट क्लियरिंग सेशंस जो हैं वो इसमें नहीं है। अगर आप जो है, अगर आप क्या करते हैं, आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो उससे फ़ायदा आपको क्या होगा, उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, और ये जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। UPSC में या दुनिया में किसी भी चीज़ में याद रखिएगा, अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में कोई चीज़ नहीं है तो वो बहुत अच्छी नहीं है। जैसे हम लोग अब सोसाइटी पढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्यों, अभिषेक तिवारी जी, स्ट्रक्चर दिया है ना, मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि नहीं दिया है, स्ट्रक्चर हम लोगों ने दे रखा है, अभिषेक तिवारी जी चले गए क्या? तो स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को जरूरी है, तो वो स्ट्रक्चर जो है हम लोग सोसाइटी पे स्ट्रक्चर, तो बिना स्ट्रक्चर के ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप अनअकैडमी का जो वो है, वो ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर अगर आप मेरा टेलीग्राम लिंक देखते हैं, अंकित मौर्या जी सर दिए हैं, अच्छा ये टेलीग्राम लिंक पे, हिना खान जी सर आप प्लीज बता सकते हैं कि मुझे टॉप करना है तो कैसे पढ़ाई करें। पहले तो दिन भर जो यूट्यूब पे घूम घूम के क्लासेस होती हैं उनको बंद करना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए, घूम घूम के क्लासेस जो हम लोग हर टीचर का क्लास, ये काम पहला काम बंद करिए। अगर टॉप करना है तो आप सेलेक्ट करिए, आप सेलेक्ट करिए, आप टीचर के कंटेंट को उठा के देखिए, और उस कंटेंट से आप UPSC के सिलेबस को मैच करके देखिए। अगर आपको ये समझ में आता है कि ये ठीक है, दूसरी जो पढ़ा रहा है टीचर वो आपको समझ में आए, और तीसरी बात ये समझ में नहीं होनी चाहिए कि जो पढ़ा रहा है वो एग्जाम हॉल में आए। ये हो सकता है कि जो पढ़ा रहा है वो आपको समझ में तो आ रहा है लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा है, तो भी बेकार है हिना खान साहब, बेकार है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक कर लीजिए, आप ये देखिए मेरा, सब लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, मुकुल देव UPSC/UPPSC, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है। आपको जो भी सवाल है आपके मन में, अभिषेक तिवारी जी टेलीग्राम पर हम भी हैं, तो आप टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर लीजिए। आपके कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, पर्सनल हो, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या करना चाहिए, आप उस पे जाके मेंशन करिए, मैं आपको जवाब भी दे दिया करूंगा, मैं आपको उस पे लिख दिया करूंगा, और उसके लिखने से होगा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस पे कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे, और ज्वाइन करने के बाद आप कभी अगर चाहें तो मेंटल फीडबैक, आप जो है मेंटली, मतलब आप एक मेंटरशिप की तरह भी आप मुझे ले सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स पे आपकी मेंटरशिप आपको कर दी, तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। मेरे बारे में सिर्फ इतना जानिए कि मेरा नाम मुकुल देव है, और सर अभी बता दीजिए, मैडम अभी क्लास मेरी दूसरी चीज पे है तो अभी बहुत नहीं मैं ले पाऊंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस टेलीग्राम चैनल पे आप चीज़ों को मुझसे पूछ सकती हैं, उस पे हम लोग बात कर सकते हैं, उस पे कह सकता हूँ मैं आपसे कि क्या क्या चीज़ें हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस पे आप लोगों ने मैसेजेस छोड़ा और मैंने मैसेजेस को देखा,
तो मैंने एक मैसेज का जवाब दिया और उससे सबके उत्तर जो है वो क्या हो जाएंगे, सबके उत्तर मिल जाएंगे। तो ये है चीजें हैं, एक सेकंड बस आप लोग होल्ड करिएगा, बस चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। चलते हैं, मेरे बारे में सिर्फ इतना है कि मेरा नाम मुकुल देव यहाँ पे है और मैं चीज़ों को इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स पे बात ही करता हूँ, मेरा कोई और काम नहीं है। याद रखिएगा, चंदा कुमारी या हिना खान साहब टॉप करने के लिए इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स ही चाहिए। कभी भी सिंगल फॉर्म पढ़ के टॉप नहीं किया जा सकता, यूपीएससी पीटी नहीं निकाला जा सकता है। पीटी में एमएसपी का क्वेश्चन होगा या किसान क्रेडिट कार्ड पे जो क्वेश्चन होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है। तो टॉप करने का अगर आपके दिमाग में ख्याल है तो इंटर कनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स पे जाइए और बंद करिए ये दर दर भटकना, खाली खुदा के दर पे रखिए। मतलब आप अपनी मेहनत करिए और अपने खुदा पे छोड़ दीजिए कि उस मेहनत का परिणाम वो देगा। बंद करिए ये बहुत ज्यादा जगह जाना आना, वो आपको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, और करना है तो जो सवाल हो प्लीज आप टेलीग्राम पे आइए। सुदर्शन गुर्जर साहब, मुदित गुप्ता साहब, अमन शर्मा साहब, इस तरह से एक बहुत बड़े लोगों का एक ग्रुप है जो आपको 24/7 क्या है मदद करते हैं। मतलब अगर आप ऐप पे ही देखें तो ऐप आपके लिए जो है तकरीबन 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक क्या है खुला हुआ है और यहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। मतलब आपको टीचर्स मिल जाएंगे और उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह से YouTube का एक बहुत बड़ा फंक्शन अनअकैडमी देता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। पता है शिक्षा का विकेंद्रीकरण अगर भारत में किसी ने किया तो वो अनअकैडमी ने कर दिया, कि गांव गांव तक शिक्षा जो है वो अनअकैडमी ने क्या कर दिया, पहुंचा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे दो कोर्सेस हैं, प्लस और आइकोनिक कोर्सेस हैं। प्लस और आइकोनिक कोर्सेस में बहुत कुछ बदलाव आ गया है और इन बदलावों से एक दो दिन में मैं आप लोगों को वाकिफ भी करवा दूंगा। सबसे बड़ा बदलाव ये आ गया है कि अब फीस जो है वो कहीं ना कहीं प्लस कोर्सेज की क्या है वो बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। 12 महीने की फीस जो है वो कितना है, 49,500 आपको देना पड़ेगा 12 महीने की फीस। मेरा कोड अगर आप यूज करते हैं तो ये जो 12 महीने की फीस है ये 44,550 हो जाएगी, और मेरा कोड यूज करके आप मुझसे और बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। देखिए अभी तो जुड़े ही हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरे जो ज्योग्राफी के कोर्सेस हैं जिसमें मैंने अगर आपके लिए मैं मतलब ये कम से कम इतना दावा मैं अपने स्टडी को देख के कर सकता हूं कि आपको अगर कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है तो मैं आपको बहुत सारी जानकारियां आपके दिमाग में क्या कर दूंगा, भर दूंगा। चंदा कुमारी, मैं भी गांव से हूं, मैं भी गांव से हूं चंदा, मैं भी गांव या ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूं, मेरे पिता भी कृषक हैं। ठीक है, मैं गांव का हूं, कृषक हूं, इसीलिए किसानी में समझता हूं। ठीक है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुकुल देव से आप मेरा नाम सर्च करके या मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्लीज, अगर आप लेना है तो आप ये कोड यूज करिए, जिससे आपको 10% का फायदा भी होगा। और इस कोड को यूज करके आप मुझे इन्फॉर्म टेलीग्राम पे कर सकते हैं कि सर आपका कोड यूज किया है, जिससे मैं आपकी मेंटरशिप और आपको कैसे पढ़ना है इन चीजों पर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। डाउट नहीं है, हेल्प 100% करूंगा अगर आप चीजों को मेरे कर रहे हैं तो, और नहीं भी कर रहे हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए मदद करूंगा कि आपने मेरा कोड यूज किया है, इससे कोई लाभ और हानि नहीं है। लेकिन अगर करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज आप मुझको हेल्प आप बात कर सकते हैं, उस पर कह सकते हैं जो है टेलीग्राम पे मुझको। अगर हम चलें थोड़ा सा आइकॉनिक कोर्सेज को देखें तो आइकॉनिक कोर्सेज में चीज़ों जो है चीज़ों में बदलाव आ गया है। आइकॉनिक कोर्सेज को देखें तो आइकॉनिक कोर्सेज में नहीं, प्लस में खाली बदलाव है, आइकॉनिक सेम है। आइकॉनिक में तकरीबन जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइकॉनिक कोर्सेज में अभी भी आप जाएंगे तो चीज़ों में वही सेम फीस है, वही सेम फीस आइकॉनिक कोर्सेज में भी है। आइकॉनिक कोर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों होता है और क्यों लेना चाहिए, मेंटरशिप है, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सब्सक्रिप्शन ले ली हूँ, चंदा कुमारी जी ले लिया है सब्सक्रिप्शन आपने, अच्छा चलिए ठीक है। कब ले लिया, कब लिया, कब ले लिया सब्सक्रिप्शन? ठीक है, अगर ले लिया हो तो कोई बात नहीं, स्टडी प्लान आप कर सकते हैं, पर्सनलाइज फीडबैक आपको क्या है, पर्सनलाइज फीडबैक यहाँ मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त में ले लिया, ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। प्लीज आप मुझको वहां पे सोसाइटी में जुड़िए मुझसे जो है। चलते हैं, इन सारी चीजों के बाद हम लोग चलते हैं। आप लोग देखिएगा एक बात बहुत समझ लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं लिया है
उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 12 महीने का जो फीस है यहां पे, 12 मंथ की जो फीस है, अगर आपने पहले अभी ले लिया तो ठीक है, ऑप्शनल उसी में फ्री हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बाद में लेने की कोशिश की तो 49,000 आपको जीएस का देना पड़ेगा और 27,500 रुपये ऑप्शनल को देना पड़ेगा। तो मतलब तकरीबन 77,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके जो आपका वो है, क्या इसका कहते हैं, जो पर्स है उस पर भारी पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप इस ऑफर का उठा सकते हैं तो कर सकते हैं, आप ले लीजिए। आप देखिए कोर्सेज कितने अच्छे अच्छे हैं, सब कुछ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, PSIR है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, जूलॉजी है, एग्रीकल्चर है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथिली, हिंदी, कन्नड़, इंग्लिश लिटरेचर, बहुत कुछ है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अब इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपसे जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके परिचित में कोई ले रहा हो तो आप उसको रेफर कर सकते हैं कि आप मुकुल देव से जुड़ सकते हैं और वहां मुकुल देव की मेंटरशिप मिलेगी, हर चीज़ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एक नया क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने जो पिछले हफ्ते पढ़ाई की, उस हफ्ते में पढ़ाई में एक क्वेश्चन, एक टॉपिक हमने पढ़ा था, वो टॉपिक, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो गई, अब सारी बातें हो गई हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग जुड़ रहे हैं, चंदा कुमारी जी हैं, अभिषेक हैं, रिंकी रानी, हिना खान साहब हैं ना, चली गई, हिना खान साहब हैं कि चली गई, आप सोचिए, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब मैं मेंस के, आप पूरे यूट्यूब को खंगाल लीजिए, पूरे यूट्यूब को खंगालिए, मेंस का क्वेश्चन लिख के उसके आंसर पे डिस्कशन फॉर्म में जो है, वो भी PIB न्यूज़ पे नहीं है, नहीं है। न्यूज़ पे लोग बात तो खूब कर रहे हैं, लेकिन PIB के क्वेश्चन को मेंस फॉर्म में करना, सर चंदा कुमारी सर जिनका कोड लिया लिए हैं वही आपको बताएं, अच्छा चंदा कुमारी सर जिनका कोड लिया है वही आपको बताएं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं चंदा, कि जिनका कोड लिया है, किसका कोड लिया है आपने, किसका कोड ले लिया है। चलिए, आप अगर पूरे YouTube को सर्च करेंगे तो आपको कभी भी मेंस क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा मेंस पे। चलिए कोई बात नहीं, भूपेंद्र सिंह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, आप एकदम आप जुड़िए मुझसे, जितना मेरी हेल्प होगी, एक छोटी बहन के नाते आपको जितना हेल्प हो सकती है मैं करूँगा, ठीक है। और मेरी माँ का भी नाम चंदा है, ठीक है, तो मेरी माँ का भी नाम चंदा है, तो आप एकदम परेशान न रहिए, जो भी मदद हो सकेगी वो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। मेंस पे अगर आप पूरे यूट्यूब को सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, मतलब PT पे खूब बातें होंगी लेकिन मेंस पे कोई बात नहीं होगी। और याद रखिएगा अहिना खान साहब, अगर IAS बनना है तो हमेशा लिखना आना चाहिए, याद रखना लिखना आना चाहिए। जिसको लिखना नहीं आ रहा है वो सपना देखना छोड़ दे, लिखना एक दिन में नहीं आएगा ये मैं कंफर्म करता हूं, लेकिन क्या होगा, 6 महीने जाते जाते आप लिखना आना चाहिए, और लिखने पे किसी का बल ही नहीं है, पूरे यूट्यूब पे कोई बल नहीं देता है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखेंगे आप तभी जब आपके अंदर एनालिसिस का गुण आए, और हम क्या करते हैं, हम फ्लैट न्यूज सुनते हैं, हम जितने एडिटोरियल न्यूज सुनते हैं वो एडिटोरियल न्यूज कैसे होता है कि आया एडिटोरियल में क्या बात की गई है सीधे। अगर आपको किसी भी चीज का पास्ट नहीं पता है, किसी भी चीज का प्रेजेंट नहीं पता है, और किसी भी चीज का फ्यूचर नहीं पता है, तो आप कभी भी एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं। देखिए मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी फ्लैट न्यूज का समझिएगा क्या मामला है, अगर आप में आप किसी भी चीज के पास्ट को नहीं जानते, प्रेजेंट को नहीं जानते और फ्यूचर को नहीं जानते हैं, तो आप कभी भी एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे, एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। अगर मेरी एनालिसिस करनी हो तो लोग क्या कहेंगे, पहले पहले बहुत पढ़ता था, वर्तमान में कोई मेहनत नहीं किया, और फ्यूचर इसका हो सकता है गड़बड़ हो। तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो यहां पर क्या होता है, जो जो एडिटोरियल होता है वो अक्सर प्रेजेंट पे, पास्ट पे तो गायब रहता है, पास्ट पे बहुत चीजें आपको नॉलेज ही नहीं करने देगा, लिखेगा वही जिसका ज्ञान डीप में होगा, एनालिसिस करेगा, सही बात है, एकदम सही बात है, लिखेगा वही जिसका ज्ञान ठीक होगा। और यहां पर क्या है, यहां पे फैक्ट्स का भरमार है, जितनी फैक्ट्स पे बातें कर सकते हो यूट्यूब उतना जो है आप हिट होने लगेंगे। अब देखिए हम लोग 7 लोग हैं मात्र, ये अजीब सी विडंबना है कि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और 7 लोग हैं। चलिए चलते हैं, अब किसी का वेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं।
हम लोगों ने एक देखा था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे मामला जो है, हम लोगों ने पढ़ा था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो यस लिख दीजिएगा। हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे पढ़ा था, और अब हम जो है हम लोग एक काम कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन बनाया मैंने, और क्वेश्चन अभी फ्लैट बनाया है। फ्लैट का मतलब है इजी क्वेश्चन बनाया हुआ है, जिसमें आपको पता चल सके कि हाँ कैसे क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन धीरे धीरे मैं टफ करूंगा, लेवल में टफ करते चला जाऊंगा, और मैं यूपीएससी के लेवल पे, देखिए यूपीएससी के लेवल का तो नहीं बना पाऊंगा, ये गलत फहमी होगी मेरी कि मैं यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन बना लूँ। और कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी यूपीएससी के लेवल को क्वेश्चंस नहीं क्रिएट कर सकता है। जो लोग कहते हैं कि पीटी में मैं क्वेश्चन कराता हूं और पीटी में क्वेश्चन करा के वो यूपीएससी लेवल का, देखिए यूपीएससी को फॉलो किया जा सकता है, कॉपी नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। आप उसके उसको फॉलो कर सकते हैं, आप उसके पीछे चल सकते हैं, आप उसके साथ नहीं चल सकते हैं, आप उसके तरीकों को देख के तरीका सीख सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं। अब वो ट्रेंड बदल देगा, आप अभी वो सीधे जा रहा है फिर दाहिने हो लेगा। तो इसीलिए यूपीएससी के दायरे में क्या है, यूपीएससी के दायरे को पकड़ने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए कि उसका दायरा क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिखा है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं, चर्चा करें। व्हाट आर द स्कोप एंड चैलेंजेस इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, डिस्कस डिस्कस। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अगर सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज यस लिख दें। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो सब लोग प्लीज यस लिख दें। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, अभिषेक, हाँ तिवारी, यस, चंदा, चंदा कुमारी समझ में आया बेटा? हिना समझ में आया? अंकित मौर्य, यस सर। चंदा कुमारी जी समझ में आया आपको? चंदा कुमारी जी ये बात समझिएगा। सुप्रिया सिंह, यस सर, सुप्रिया सिंह, चंदा कुमारी, यस। वो पूछ रहा है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं। अब इस आंसर को कैसे लिखा जाए, इस आंसर को कैसे फ्रेम हम करें? तो इस आंसर की अगर हम फ्रेमिंग पे जाते हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेके आए हैं कि नहीं आए हैं? कुछ कॉपी पेन लिए हैं कि नहीं लिए हैं? कॉपी पेन लिए हैं तो जरा देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर कैसे होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, उत्तर की संरचना कैसे होगी, उत्तर की संरचना कैसे होगी, जरा देखिए आप लोग, जो उत्तर होगा उसकी संरचना कैसे होगी। उत्तर की संरचना है, कॉपी पेन है, कोई दिक्कत नहीं, तो नोट करिए उत्तर की संरचना में क्या करना है। अंजू सिंह जी सर, अच्छा अंजू सिंह जुड़ी हुई हैं आप, ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। धीरे धीरे लोग आ तो रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है। गरिमा सिंह जी, यस सर। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर में पहले हम लोग ये जानेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण है क्या। व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कहते किसको हैं, फूड प्रोसेसिंग कहते किसको हैं, खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यकता। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इस आंसर को, सोनम पॉल गुड मॉर्निंग, कहाँ थी सोनम, कल सोसाइटी के क्लास में भी नहीं थी आप, शाम को सोसाइटी की क्लास में भी सोनम जी आप नहीं थी। कल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है हम लोगों ने, कल सबसे बड़ा डिस्कशन किया है हम लोगों ने कि कैरेक्टर और फीचर में डिफरेंस क्या है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, यूपीएससी ने अपने सिलेबस में खाली फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी कहा है पढ़ने के लिए। और कल हम लोगों ने, क्लास नहीं मिल रही थी, मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है, उस टेलीग्राम के चैनल को प्लीज फॉलो करिए ना। टेलीग्राम पे मैं हमेशा लिंक भेजता हूँ, मेरी सारी क्लासेस का लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम के मेरे चैनल पे है। शिवानी सिंह राम राम, उस पे टेलीग्राम के चैनल पे अगर आप जाएंगी तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पे सारे लिंक हैं। कल सबसे बड़ी बात है कि यू सोसाइटी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी है। अच्छा देख लिया है सोनम, देख लिया है, तो चलो, तो तब तो समझ गई होगी कि कैरेक्टर और फीचर में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैरेक्टर को ही फीचर समझ लेते हैं। कैरेक्टर और फीचर, एक कैरेक्टर क्या है, एडजेक्टिव है, और फीचर क्या है, नाउन है। हम लोग जब कभी जाते हैं शॉप पे, मोबाइल शॉप पे, तो हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल में क्या क्या फीचर हैं, हम लोग कैरेक्टर नहीं पूछते हैं। तो कल हम लोगों ने कैरेक्टर देखा था, कल हम लोगों ने कैरेक्टर देखा था, और आज हम लोग फीचर देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर में, पहला हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। प्लीज नोट करिए, नोट करिए, क्योंकि जो नोट्स है वो नोट्स मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि जो आने वाले 3 अक्टूबर के बाद,
मेरे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सारे लेक्चर के पीडीएफ। जो लोग ऐप पे हैं भी नहीं, वो जो ऐप पे भी मैं पढ़ाऊंगा वो भी उसके भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पीडीएफ आपको मिलेंगे। चंदा कुमार कुमारी बोलिए सर, क्या दिख नहीं रहा है चंदा? यहां पर आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर में, खाद्य प्रसंस्करण क्या है, खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता क्यों है, और फिर चुनौतियां, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और आगे की राह, आगे हमको कैसे बिहेव करना है, ये चीजें हम इस स्ट्रक्चर में डालेंगे। अब मैं आपको लिख के बताता हूं कि क्या क्या कैसे किया जाता है। देखिए सवाल पहला क्या था, तो सवाल पूछ रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संभावनाएं वो तलाश कर रहा है कि संभावनाएं क्या हैं। तो संभावनाओं को देखने के लिए और चुनौतियां, एक तो वो पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, एक तो वो क्या कर रहा है, स्कोप या पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहा है, और दूसरा वो चैलेंजेस ढूंढ रहा है। तो याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए पहले आपको एक दो लाइन मिनिमम, जैसे 250 वर्ड्स हैं, मैं आपके लिए डिवाइड करता हूं। देखिए 250 वर्ड्स हैं, इस 250 वर्ड्स को करना क्या है, आप डिवाइड करेंगे, और जो क्वेश्चन में कीवर्ड है, क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, जो हिंदी मीडियम का है या जो इंग्लिश मीडियम का है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको एक काम करना है कि कीवर्ड्स पकड़ने हैं। कीवर्ड्स, एक इसमें कीवर्ड है स्कोप, एक इसमें कीवर्ड है चैलेंजेस। स्कोप पे बात करनी है कि इसका स्कोप क्या है, और एक है कि उसका चैलेंजेस पे हमको बात करनी है। तो यहां पर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम कम से कम जो है 30 से 40 शब्द जो है वो अपना खर्च करेंगे। किस बात पे खर्च करेंगे, कि हम ये बता सकें अपने एग्जामिनर को कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हम क्या समझते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हम क्या समझते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो क्या है, वो जो आपकी ग्रेन है, मतलब जो आपका खाद्य पदार्थ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कैसे किसी चीज को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि समझने पे जोर जिंदगी में दीजिएगा। अगर आप समझते रहेंगे राम सीता की कौन थी, तो ये अगर रटेंगे तो भूलेंगे, लेकिन अगर रामचरित मानस आपने कहानी के रूप में सुन रखा है तो आपको राम सीता की कौन थी या दशरथ जो है सीता के क्या लगते थे, ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑब्जर्वेशन से आप क्लियर कर लेंगे। तो अगर आपको कहानी पता है तो लगभग लगभग चीजें क्या होंगी, प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे इंप्रूव हो जाएगा। याद रखिएगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सिर्फ आपको एक बात लिखनी है, स्टार्टिंग जो करना है कि ये खाद्य पदार्थों का क्या है, जो खाद्य हमारे पदार्थ हैं, चाहे वो कोई भी कुछ भी ले लिया जाए। अब जो खाद्य पदार्थ हैं वो कैसे हैं, एक पेरिशेबल है, पेरिशेबल पेरिशेबल का मतलब होता है जो कि क्या है, तुरंत खराब होने वाला हो, खराब होने वाला हो। खराब होने का सेंस यहां पे जैसे टमाटर, टमाटर जैसे प्याज, जैसे आलू, जैसे फल, ये सब क्या हैं, ये पेरिशेबल हैं, ये पेरिशेबल हैं, मतलब यह समय के साथ क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और एक जो होता है वो नॉन पेरिशेबल होता है, नॉन पेरिशेबल होता है, जैसे क्या है, ये भी खराब, नॉन पेरिशेबल दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज खराब नहीं होगी। जो जन्मा है, जो उसको जाना तय है, मिर्जापुर का फेमस डायलॉग है, जो आया है उसको जाना है, ठीक है। शिवानी सिंह, समझ में आ रहा है शिवानी? कुछ नॉन पेरिशेबल हैं, पेरिशेबल मैंने बात कर दी, जो खराब होने योग्य है, टमाटर है, प्याज है, आम है, ये सब सारी चीजें। नॉन पेरिशेबल को अगर लेते हैं तो यहां पे नॉन पेरिशेबल में थोड़ा सा आप एक बात मेरी संज्ञान में अपने ले लीजिएगा, जैसे गेहूं है, ये गेहूं है, और इस गेहूं के साथ साथ मैं चावल को ले लेता हूं, दाल को ले लेता हूं। अब यहां पर जो फूड प्रोसेसिंग है वो क्या कहता है, वो कहता है कि खाद्य पदार्थों का क्या करना है, इन खाद्य पदार्थों का, जो टमाटर है या जो गेहूं है, चावल है, दाल है, इन खाद्य पदार्थों के रूप को बदलने की प्रक्रिया है, रूप के बदलने की प्रक्रिया है। मतलब फूड प्रोसेसिंग क्या है, चेंज इन द फॉर्म है, चेंज इन द फॉर्म है, वो चेंज कर देगा, इन द फॉर्म ही को चेंज कर देगा। जैसे क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि पेरिशेबल आइटम में मिल्क क्या होगा, मिल्क खराब हो जाएगा, लेकिन मिल्क से अगर मिल्क क्या होगा, एक दिन में खराब हो सकता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिवानी नोट कर लिया सर, हाँ, दूध एक दिन में खराब हो सकता है, लेकिन उस दूध से दही, वो
वो 2-3 दिन तक खराब नहीं हो सकती, लेकिन उस दही को अगर हम क्या कर दिए, मक्खन में तब्दील कर दिए, तो वो कम से कम 10 दिन नहीं खराब होगी, और अगर उस मक्खन को हम लोगों ने घी में बदल दिया तो वो कम से कम 4-6 महीने खराब नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ अभिषेक तिवारी, एक एक एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल पे। तो जो मिल्क है वो मिल्क दही बना तो 2-3 दिन उसकी लाइफ क्या हो गई, उसका लाइफ बढ़ गई। इस दही से मक्खन बना तो फिर उसकी लाइफ बढ़ गई, उसका जीवन काल बढ़ गया, और उससे घी बना तो जीवन काल बढ़ गया। तो मतलब खाद्य पदार्थों के रूप के परिवर्तन से इसका संज्ञान लिया जाता है, किसका? खाद्य प्रसंस्करण का। और इसमें क्या होता है, इसमें रूप बदलने की प्रक्रिया होती है। जैसे टमाटो से कैचअप आप कह रहे हैं, कैचअप कर लिए, टमाटर प्यूरी कर लिए, टमाटर प्यूरी कर लिए। आजकल माताएं जो वो हैं, जो माताएं बहनें हैं हमारी, वो टमाटर की जगह टमाटर प्यूरी बहुत यूज करती हैं, तो टमाटर प्यूरी आपने कर लिया। इस तरह से जो खाद्य पदार्थों के रूप बदलने की प्रक्रिया है, जिससे उनका जीवन काल क्या हो जाए, जिससे उनका जीवन काल और उनका उपयोग क्या हो जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, इस प्रक्रिया को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया कहा गया है। ये अब आपको याद हुआ? हाँ, कॉस्ट भी बढ़ता है सर, नोट करना है स्लो। अच्छा, नोट कर। अरे तो ये यूट्यूब पे पड़ा है ना, आराम से चला के खूब सुनना चंदा, आराम से चला के बेटा खूब सुन लेना, ठीक है? अभी थोड़ा चलने दो, आज सैटरडे, आज चूंकि त्योहार है तो मैं बहुत धीमे हूं, आज त्योहार है मैं बहुत धीमे हूं, और आप लोगों के पास टाइम है ना, 9:30 तक सबके पास टाइम है ना, 9:30 तक रहेंगे हम लोग आज एक साथ में, 9:30 तक। मैं बहुत आज रिलैक्स हूं, 9:30 तक रहेंगे, फिर 11 बजे ऐप पे मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत मजा आएगा उस पर। सोनम पाल, नहीं सर आप जा सकती हैं, मैम आप चली जाइएगा, आज मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पे G20 की बैठक हुई है, और भ्रष्टाचार आज मैं पढ़ाऊंगा, आज बहुत जरूरी है भ्रष्टाचार पे बातें करना मेरे लिए, ठीक है? आज भ्रष्टाचार पे मैं बात करूंगा, सोनम बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया कि फूड प्रोसेसिंग हम कहते किसको हैं। इस फूड प्रोसेसिंग में अब आप एक चीज और समझिएगा कि इस फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, जरा इस बात को समझने, इस बात को समझिएगा कि यहां पर क्या होता है। यहां पर जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब है, जैसे मान लीजिए गेहूं, गेहूं एक रॉ मटेरियल है, या इसको अंग्रेजी में वीट कह देता हूं मैं। अब इस रॉ मटेरियल में क्या हो रहा है, ये तमाम फिजिकल और केमिकल प्रोसेसिंग से गुजरता है। फिजिकल और केमिकल, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, और एक है रासायनिक। इन प्रक्रियाओं से ये एक प्रोसेसिंग है। अब मेरा शब्द समझ लीजिएगा, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रक्रियागत व्यवस्था। प्रक्रियागत व्यवस्था से जब कोई क्या कच्चा पदार्थ जो है, कच्चा पदार्थ, देखिए रटना कुछ नहीं है, जो समझा है उसी को लिखने की कला मैं बता रहा हूं। कच्चा पदार्थ जब प्रक्रियागत व्यवस्था से क्या होता है, से उसका रूप परिवर्तित होता है, से उसका रूप परिवर्तित होता है, और इस रूप परिवर्तन में उसकी जीवन अवधि, उसकी जीवन अवधि अवधि, उसका मूल्य क्या हो जाए, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, इसी प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल गेहूं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के कारण वो क्या बन गया, आपने उसका क्या बना दिया, आपने उस गेहूं का ब्रेड बना दिया, आपने उस गेहूं का ब्रेड बना दिया, उसी गेहूं से आपने क्या कर दिया, आपने ओट्स बना लिया, उसी गेहूं से आपने मैगी बना दी, आपने मैगी बना दी, गेहूं के आटे की मैगी बनने लगी है। तो आपने क्या कर दिया, आपने उस प्रक्रियागत फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में चेंज किया, और उसके कारण। तो आप इस बात से स्टार्ट कर सकते हैं, और इस बात को खाली कितना शब्द ले सकते हैं, 30-50 शब्द में आप इस बात को पूरा कर सकते हैं कि ये क्या है। अब जो दूसरा सवाल है, अब जो दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्या जरूरत है, मेरी बात समझिएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जरूरत क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भारत को जरूरत क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी जरूरतों को अगर आप देखने का प्रयास करें, व्हाई वी नीड अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्या जरूरत है भारत को, तो
अब आप समझिएगा कि क्या क्यों जरूरत है। जो भारत का जो खाद्य प्रसंस्करण है, फूड प्रोसेसिंग है, मेरी एक पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि भारत में तकरीबन हर साल, ये मैं डाटा एक दे रहा हूं, डाटा रटने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा समझने की जरूरत है। भारत में ईयरली ईयरली प्रत्येक साल जो है वो 16.2 करोड़ टन, जो करोड़ टन है वो क्या होती है, सब्जी का, वेजिटेबल होती है। ये डाटा समझिए, खराब होते हैं। हाँ, ये जो अभिषेक अभिषेक जो ये तुमने पहले लिख दिया ना भाई कि खराब होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा डाटा के माध्यम से प्रूव कर देता हूं। और आपको डाटा नहीं रटना है, आपको क्या लिखना है, आपको उत्पादन थोड़ा सा बताना है, और इन उत्पादन का तुरंत क्या आपको बताना है कि इन उत्पाद कोई भी वेजिटेबल तुरंत, ऐसा नहीं हो कि गोभी निकली और खपत हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। मूली खेत में पैदा हुई और तुरंत आदमी के पेट में चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहां पे मैं थोड़ा सा डाटा आपको देख रहा हूं कि 16.2 करोड़ टन के लगभग जो है सब्जियों का उत्पादन होता है, 8 करोड़ टन के आसपास जो है फलों का उत्पादन होता है, फ्रूट्स का होता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सीफेटेक है, उसकी रिपोर्ट है। और ये क्या है, इसमें से जो ये फ्रूट और वेजिटेबल है, वेजिटेबल प्लस फ्रूट, ये दोनों कैसे हैं, नेचर इनका कैसा है, मतलब इनकी प्रकृति कैसी है, पेरिशेबल है, मतलब खराब होने वाले हैं, पेरिशेबल है। तो अब क्या है कि भारत में समस्या क्या है, देखिएगा अभिषेक, यहां बात मेरी देखिए, मैं ट्विस्ट कैसे कर रहा हूं। यहां पर ये जो उत्पादन है, इस उत्पादन का 20 से 22% या 20 से 25% का जो भाग है पूरा, वो क्या होता है, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, और खराब हो जाता है भारत में। क्यों खराब होता है, फिर सवाल है, क्यों खराब हो रहा है। इसलिए खराब हो रहा है कि भारत में कोल्ड स्टोरेज उस संख्या में नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का अभाव है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी भारत में उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुल मिलाकर क्या है, तो कुल मिलाकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो नहीं है, लगभग लगभग भारत में अभाव है। अब देखिए ये खराब क्यों हो जाता है, और इस खराब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस खराब का प्रभाव पड़ रहा है कि सब्जियों के दाम, वेजिटेबल प्लस फ्रूट के दाम क्या हो जाएंगे, गुड मॉर्निंग शिवानी, वेजिटेबल और फ्रूट के दाम क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं शिवानी। इस बहुत दिन से आप बेटा क्लास में नहीं थी, बहुत दिन से आप क्लास में नहीं थी, सोसाइटी की जाके क्लास करिए, बढ़ जा रहे हैं, हाँ दाम बढ़ जा रहे हैं, पहला। सेकंड, फूड इन्फ्लेशन आ रहा है, फूड इन्फ्लेशन, दाम बढ़ रहे हैं तो फूड इन्फ्लेशन आ रहा है। थर्ड, फूड सिक्योरिटी, भा अरे ये तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूं, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं, यहां पे मैं कर देता हूं, सॉरी सॉरी, यहां पे कर देता हूं। अब खराब हो जाते हैं तो इस खराब होने का पब्लिक ओपिनियन साहब बहुत लेट हैं, बहुत लेट आए हैं साहब। अब इस खराब हो जाने का इम्पैक्ट क्या है, खराब हो जाने का इम्पैक्ट जरा देखिए, तो इसके खराब हो जाने का इम्पैक्ट क्या है कि वेजिटेबल प्लस फ्रूट ये दोनों के क्या हैं, दाम बढ़ते हैं, दाम बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं तो फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ये आपको जानना चाहिए, पहला पॉइंट। इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है, इसका दूसरा इम्पैक्ट अगर आप देखते हैं कि अगर 20 से 25% फल और सब्जियां खराब हो रहे हैं, तो भारत में जो भारत की सरकार है वो क्या कहती है, फूड टू ऑल, भोजन सबके लिए। हम क्या कह रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि सबको खाना मिलेगा, और कैसा मिलेगा, तो न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। फूड टू ऑल की अवधारणा जो है वो क्या है, खतरे में पड़ती है, अवधारणा जो है वो पूरी नहीं होती दिखती। फूड सिक्योरिटी, जो भारत, जो खाद्य सुरक्षा है, उस खाद्य सुरक्षा में प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाते। अगर हम 20 से 25% जो खराब हो रहा है, अगर भारत सरकार उसको पहले से ही जो खराब होने की संभावना है उसको गरीबों में वितरित कर दे, तो बहुत बड़ा समस्या हल हो जाएगी। तो अब आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्यों जरूरत पड़ी, तो मैंने क्लियर किया कि यहां पर जो सब्जियों और फलों का उत्पादन भारत सरकार में होता है, ये एक रिपोर्ट है कि इस रिपोर्ट में भारत सरकार चाहती है कि ये क्या करे, वेजिटेबल और फ्रूट्स को क्या कर दे, वेजिटेबल और फ्रूट्स को भारत सरकार ऐसा सोचती है कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी उतना ही अच्छा होगा,
तो मैंने ये आपके लिए कर दिया। दूसरा एक दो पॉइंट्स अगर मैं आपको और बता दूं जो मैंने क्लास में कभी नहीं बोला होगा, मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्लोबल फूड मार्केट है, ग्लोबल फूड मार्केट है, फूड मार्केट इंडस्ट्री है, याद रखिएगा मेरी बात, ये सब मैं डाटा है जो मैं निकाल के लाया हूं। जो ग्लोबल फूड मार्केट इंडस्ट्री है उसमें जो इंडिया की हिस्सेदारी है, भारत की हिस्सेदारी जो है, भारत का जो पार्टिसिपेशन है वो मात्र 1.5 है। सोचिए इतना ज्यादा इंडिया उत्पादन करता है और इतने ज्यादा उत्पादन में वो आगे है, लेकिन इंडिया जो ग्लोबल फूड मार्केट है, और जो ग्लोबल फूड मार्केट है वो कैसा है, वो पैकेजिंग डिब्बा बंद खाना बहुत ज्यादा जाता है। न्यूट्रिशियस फूड क्या है? न्यूट्रिशियस फूड का मतलब होता है जिसमें पोषण हो बेटा, पोषण हो, मतलब पोषण का मतलब हो कि खाली, जैसे चावल आप खाली खाएंगी तो आपको क्या, आपके शरीर को लोहा मिलेगा, क्या आपके शरीर को जिंक मिलेगा, क्या आपके शरीर को मैग्नीज मिलेगा, क्या आपके शरीर को ये सारी चीजें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो भारत सरकार ये चाहती है कि पोषण युक्त खाना हो। अगर आप हरी सब्जियां खाएंगी, वेजिटेबल खाएंगी तो आपको पोषण मिलेगा, आपको क्या है, लोहा भी मिलेगा। आप अगर साग खा रही हैं, आप बथुआ खा रही हैं, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। आप एप्पल खा रही हैं तो आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो भारत सरकार चाहती है क्या है, भारत सरकार चाहती है कि विटामिन्स युक्त भोजन होना चाहिए आपका, विटामिन्स में विटामिन्स ज्यादा होना चाहिए, तो ये भारत सरकार चाहती है। मैं इस पॉइंट पे था अभिषेक, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना भाई, अभिषेक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर फूड इंडस्ट्री जो मार्केट है हम लोगों का, उस फूड इंडस्ट्री मार्केट में चंदा कुमारी यन कुछ लिख रही हो चंदा, तो पूछ लेना मुझसे। अगर ग्लोबल फूड मार्केट इंडस्ट्री को देखें तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो 1.5 है, और भारत सरकार जो चाहती है कि उसका टारगेट है कि टारगेट वो 3% कर दे, मतलब ये 1.5 को कम से कम बढ़ा ले, और इस टारगेट को पाने के लिए जो है वो अपने यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बैठा रही है। तो ये एक और कारण है जिसको मैंने आपको बता दिया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की आवश्यकता क्यों है। असल में सवाल वो घुमा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर भारत सर्वाधिक बल हाल के दिनों में दे रहा है। हाँ आजकल कुरकुरे लोग पसंद कर रहे हैं, इंडस्ट्री चलेगी अच्छे से। हाँ, ये इंडस्ट्री चलेगी और इससे बहुत फायदा हो रहा है, इससे भारत सरकार को अच्छा फायदा हो रहा है, डाउट नहीं है इसमें। अब जरा मेरा समझिएगा कि मैंने ये पढ़ाया क्यों, मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि भारत सरकार का हाल में बड़ा बल है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर, और इन बढ़ते हुए उपाय, इन बढ़ते हुए कदमों को भारत सरकार के आप निर्धारित करिए, या इन बढ़ते हुए कदमों की क्या आवश्यकता है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि भारत सरकार ग्लोबल फूड मार्केट इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाना चाहती है, जो है वो इन चीजों को न्यूट्रिशियस फूड देना चाहती है, तो इन सब चीजों पे बात करिएगा आप लोग। हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सर आवाज कट रही है, सब लोगों को मेरी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है सब लोगों को, जरा लिखिए आवाज कट रही है क्या? नहीं गरिमा सिंह, नहीं सर, ठीक है सर। चंदा लग रहा है, हिना खान, नहीं, गरिमा आ रही है। अच्छा चंदा थोड़ा सा आपका नेटवर्क वीक होगा। सोनम पाल, नो सर, थोड़ा सा नेटवर्क आप अपना देखिए। अब जरा चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव देखिए उस क्वेश्चन में, जब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए खाद्य प्रसंस्करण क्या है, अब हम लोगों ने डिस्कस किया क्या है, आवश्यकता क्यों है, हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आवश्यकता। तो जो आवश्यकता है वो उद्देश्य से जन्म ले लेगी, उद्देश्य से। अभी तक मैंने एक दो आवश्यकताओं पे बात की, अब उद्देश्य पे, मैं उद्देश्य पे बात करूंगा, यही उद्देश्य जो है वो आवश्यकता वहां पे बनती चली जाएगी, ठीक है, ये आवश्यकता बनती चली जाएगी। अब जरा हम लोग उद्देश्य को देखते हैं, उद्देश्य क्या है, जीवन अवधि को बढ़ाना है, उत्पादों की जीवन अवधि को बढ़ाना उद्देश्य है।
खाद्य संदूषण को रोकना उद्देश्य है। खाद्य संदूषण मैंने आपको क्लियर कर दिया कि खाद्य संदूषण का मतलब क्या होता है, खाद्य संदूषण का मतलब क्या होता है। तो यहां पर मैंने फिर खाद्य भंडारण और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इसको भी हमको करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें कच्चे खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाना है, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनको आकर्षक बनाना है और उनको मार्केटिंग लायक बनाना है। मार्केटिंग लायक बनाना है मतलब अगर आप उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं, पैकेजिंग तो भी क्या है, ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो यहां पर आकर्षक बनाना है, विपणन योग्य उत्पादों में बदला जाता है। इससे क्या होगा, इसको रोजगार बहुत लोगों को मिलेगा, यह रोजगारदाई बिजनेस है, रोजगारदाई बिजनेस है, यह रोजगारदाई बिजनेस है। मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो हर लेवल पे रोजगार होगा। फार्मर के लिए बहुत सारे रोजगार होंगे, मिडिल मैन के लिए बहुत सारे रोजगार होंगे, रिटेलर्स के लिए बहुत रोजगार होंगे, क्योंकि रिटेलर्स के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप आएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो रिटेलर के पास होंगे, तो ये यहां पर है। वहीं पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता भी यहां पर बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद चल रहे हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि विश्व व्यापार संगठन में जो WHO है उसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उन्हें तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों जरूरत है। हाँ, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, लोग देखते हैं सर। हाँ देखते हैं भाई, यही देखो ना, कुछ टीचर हैं पढ़ाते हैं तो मैं देखता हूँ हजार हजार लड़के उनको देखते हैं, उनका ब्रांड अच्छा है और मुझे 8 लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो ये सब ब्रांडिंग है मेरे भाई। और मैं कभी कभी देखता हूँ क्लासेस को तो समझ में आता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, और सब लोग फैन होके देखते रहते हैं। सुनम क्या लिखा है, विपणन। अच्छा, विपणन, विपणन का मतलब बेचना होता है, विपणन का मतलब बेचना होता है, विपणन, ठीक है, विपणन का मतलब बेचना होता है। अब जरा मेरी बात समझिएगा, विश्व व्यापार जो संगठन है, जो ये जो WHO है, या यहाँ पे जो WTO है, सॉरी यहाँ TO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपना टाइम आएगा, अरे अपना टाइम चल ही रहा है। सोनम तुम सेलेक्ट हो जाओ, तुम IAS हो जाओ, अभिषेक तिवारी IPS हो जाएं, हिना कान साहब भी IAS हो जाएं, ठीक है, चंदा कुमारी जी भी IRS हो जाएं, IAS हो जाएं, तो मेरा टाइम तो आ ही जाएगा ना, अगर आप लोग हो जाते हैं। शिवानी, शिवानी हो जाए, शिवानी IAS हो जाए, तो अपना टाइम तो आ ही जाएगा। चलिए चलते हैं, अगर विश्व व्यापार संगठन को देखते हैं, WTO को हम लोग थोड़ा सा देखें, तो WTO में हमारे जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है। यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या होता है, WTO में बैन कर दिया जाता है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान देकर अच्छे से कर लें तो हम क्या करेंगे, जो ग्लोबल कंपटीशन है, जो ग्लोबल कंपटीशन है, हम उसका क्या कर सकते हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। फिर उसके बाद जो है ये भारतीय उद्योग का जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाना, तो ये सारे उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों पे मैंने बात कर दी। जो क्वेश्चन है वो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं पे है कि संभावनाएं क्या हैं, तो भारतीय खाद्य उद्योग की जो संभावनाएं हैं, अच्छा IRS नहीं बनना है, IAS बनना है, अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं उम्मीद, मैं कोशिश, मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, आप IAS ही सारे लोग बनिए, धन्यवाद। अब चलते हैं संभावनाओं पे, संभावनाओं पे, पॉसिबिलिटीज पे चलते हैं, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। ये जो पॉसिबिलिटी का शब्द है इसमें देखिएगा, अगर आप देखें भारत में, तो भारत में बहुत संभावना है, क्यों है, क्योंकि दुनिया में चाइना के बाद, अगर पूरे वर्ल्ड में लें तो चाइना के बाद जो सबसे ज्यादा जो फूड बास्केट है, मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, उसमें भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कई जगह चाइना आगे है, और सेकेंड नंबर पे फिर इंडिया हो रहा है, और थर्ड नंबर पे अमेरिका का स्थान आ रहा है। तो अगर उसके पास सर्वाधिक उत्पादन वो कर रहा है, उसके बाद तो हमारा नंबर है ना, तो खाद्य पदार्थों का हम लोग उत्पादक, दूसरे उत्पादक देश हैं। और
खाद्य पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, साथ ही क्या है कि जो वैश्विक स्तर पे ग्लोबल लेवल पे अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से आप किन चीजों में बहुत आगे जा सकते हैं, जैसे केला सर्वाधिक उत्पादन आप करते हैं, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन आप करते हैं, आम का करते हैं, मैंगो का करते हैं आप, दूध का करते हैं, मिल्क का करते हैं, और किस चीज का करते हैं, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स का सर्वाधिक उत्पादन भारत कर रहा है। तो अगर खाली वो मैंगो को ही फूड प्रोसेसिंग कर ले, फूड प्रोसेसिंग करके वो मैंगो का ही फूड प्रोसेसिंग करके क्या बना दे, कौन सा मैंगो जूस कौन सा आता है, जैसे मैंगो जूस कौन सा आता है, फ्रूटी मैंगो फ्लेवर्स में है, और क्या क्या है, कुछ नाम बताइए भाई आप लोग, कुछ नाम बताइए, आप लोगों के पास नाम नहीं है क्या, नहीं पीते हैं क्या आप लोग, माजा, माजा, हाँ। तो ये क्या है, अगर आप अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं तो खाली इन प्रोडक्ट्स पे ही, चाहे वो मिल्क हो, चाहे मैंगो हो, चाहे केला हो, जिन पे आप बहुत आगे हैं, तो आप पूरे देश में क्या है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे आप डोमिनेट कर सकते हैं और आप पैसा कमा सकते हैं, आप डोमिनेट भी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संभावनाएं हैं यहां पर। मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूं तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ, भारत में कच्चा पदार्थ जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अगर देखें तो दो ही चीज चाहिए आपको, एक तो कच्चा पदार्थ चाहिए और दूसरा उस कच्चे पदार्थ के तकनीक के माध्यम से क्या करना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए कि वो बदल सके। तो भारत में कच्चा माल भी है और तकनीक भी है, कच्चे माल की जो उपलब्धता भारत में सर्वाधिक है, ये इसके संभावनाओं को क्या करती है, बढ़ाती है। खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की संभावनाओं क्या है भारत में, अपार है। क्यों अपार है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल की उपलब्धता बहुत है। इसके अलावा क्यों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो भारत में बहुत और अच्छे से जाएगी, जरा मैं आपको और बता देता हूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में इसकी पॉसिबिलिटीज को अगर देखें हम लोग, पॉसिबल पॉसिबिलिटीज को, संभावनाओं को, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भारत है वो दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या है भारत में, बहुत ज्यादा है, और जो पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो मतलब क्या है, डिमांड है, और रॉ मटेरियल अगर बहुत ज्यादा है तो सप्लाई है, रॉ मटेरियल है तो मतलब सप्लाई है, मेरी बात समझिएगा, अगर सप्लाई को डिमांड का साथ मिल जाए और डिमांड को सप्लाई का साथ मिल जाए तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आप क्या कर सकते हैं, आप अगर कोई चीज आप बना रहे हैं और उसके लिए मार्केट हो, यहां पर डिमांड है, ये डिमांड क्यों है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, और मार्केट क्यों है, बाजार बहुत बड़ा है, बाजार क्या है, आवश्यकताओं का आवश्यकता है, बाजार यहां बाजार में आवश्यकता है, तो ये बाजार जो है वो क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब रॉ मटेरियल आपके पास है और रॉ मटेरियल को अगर आपने क्या कर दिया, आपने प्रोसेसिंग कर दिया, और उस प्रोसेसिंग का जितना माजा बना रहे हैं सब भारत में ही खपत हो जाए, तो सोचिए कि किसको किसको फायदा होगा, किसान को होगा, फार्मर को हो जाएगा, फार्मर को होगा जो जो है, और किसको होगा, रिटेलर को होगा, और किसको होगा, होलसेलर को होगा, और किसको होगा, प्रोड्यूसर को होगा। तो इतने वर्ग को, 1 2 3 4, ये सारे वर्गों को क्या है, फायदा होगा, प्रोड्यूसर को होगा। तो इतना बड़ा फायदा या इतने वर्गों को फायदा देने देने वाला तो यहाँ पे सप्लाई है। अगर सप्लाई हमारे पास डिमांड ना होती तो हमारे यहाँ फायदा किसको होता, एक फार्मर को होता और दूसरा किसको होता, रिटेलर यहाँ नहीं रहता, होलसेलर भी नहीं रहता, यहाँ खाली प्रोड्यूसर रहता, और इसके बाद फार्मर और प्रोड्यूसर पैसा बांट के क्या करते, बाहर भेज देते। तो यहाँ पे ना रिटेलर होता ना होलसेलर होता, तो रिटेलर और होलसेलर जैसे जो हैं ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हैं, यहाँ पे सप्लाई भी है, यहाँ पे डिमांड भी है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर है, भारत सरकार में है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं, एक सेकंड होल्ड करिएगा, थोड़ा सा लैपटॉप लग रहा है, हैंग हो रहा है क्या। भारत में देखिए मेरी बात समझिएगा, एक बढ़ी हुई जनसंख्या है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या में क्या है, आर्थिक समृद्धि भी है, मतलब इनके पास पैसा भी है, और इस आर्थिक समृद्धि के कारण भारत में जो है एक बड़ा बाजार है, एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा है।
और यह बाजार जो है वह नगरीकरण के वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, रेडी टू ईट है। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि हमारे यहां अर्बनाइजेशन का मामला आ गया है। हम लोग इतना, हमारे पास टाइम है नहीं है कि हम टमाटर को क्या करें, छीलें और टमाटर को छील के सब्जी में डालें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि हम क्या करें। मेरी बात सुन, मेरी बात समझ में आ रही है? बोर नहीं ना हो रहे हैं आप लोग? बोर नहीं ना हो रहे हैं? प्लीज अगर बोर हो रहे हो तो बताइए। सोनम पाल, चंदा कुमारी, सोनम पाल बोर हो रहे हैं? यस। अच्छा, सोनम पाल ने लिख दिया, हां सर बोर हो रहे हैं। शाश्वत सिंह, नहीं सर, सोनम पाल नहीं सर। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, मेरी बात जरा समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं कि भारत में क्या है, नगरीकरण आ गया है। भारत में नगरीकरण बहुत बढ़ गया है और इस नगर के बढ़ने के कारण हर चीज भारत को कैसी चाहिए, रेडी टू ईट चाहिए। रेडी टू ईट, रेडी टू ईट का मतलब होता है कि वह इस तरह तैयार होनी चाहिए कि बस अब खा लो। जैसे मैगी का डिब्बा आ रहा है और उसमें खाली आप गर्म पानी डाल दीजिए, क्योंकि अब क्या है टाइम लोगों के पास नहीं है, तो मैगी तैयार हो गई। सब्जी बनानी है तो क्या है, पूरी सब्जी में सब्जी पकी पकाई आ रही है, मसाला वसाला पड़ा है, खाली उसको गर्म कर लीजिए, हो गया। और ये सब कहाँ संभव हो सकता है, ये सारी चीजें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप इस तरह से बना के रख देते हैं और वहां पर जब आप सेल करते हैं, खाली उसमें गर्म पानी, उसको गर्म करना है, हो जाएगा। तो अर्बनाइजेशन, जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए, ये बात जो समझा रहा हूं, ये तमाम अखबारों का एनालिसिस है और इस एनालिसिस से आप क्या है, आपका ज्ञान का संवर्धन हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? आई कि नहीं आई? ठीक है, इसके बाद भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की और क्या संभावनाएं हैं। सस्ता श्रम बल, सस्ता श्रम बल, चीप। आपके पास क्या है, आप लोगों के पास सबसे बड़ी बात है कि काम करने के लिए चीप लेबर फोर्सेस हैं, चीप लेबर फोर्स है, मतलब आपको चीप लेबर मिलेगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक बड़ा वहां पे वो है। तो ये हो गई भारत में, मैंने आपके लिए भारत में ये सारी चीजें कर दी। अब जरा चुनौतियां चलते हैं, क्वेश्चन पूछा था चुनौतियों पे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस। अभिषेक, अगर कोई चैलेंज तुम्हारे दिमाग में हो तो बताओ। अभिषेक जी, अगर कोई चैलेंज आपके दिमाग में हो तो बताइए, चैलेंजेस क्या क्या हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही नहीं है, ये सब बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, आप मेरी बात समझिएगा, कि मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ये दो मैंने बना दिया, दो चीजें दिख रही हैं, बना दिया हूं स्क्रीन पे। ये जो है वो फार्मर है, फार्मर है, और ये जो है वो मार्केट है, मार्केट है। इसी बीच में ये इंडस्ट्री होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मैं FPI लिख दिया उसको। अब FPI में क्या है कि फार्मर से लेके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक और FPI से लेके मार्केट तक रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी कमी है कि किसान का जो फसल होगी वह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक क्या है, पहुंच ही नहीं पा रही है। किसान की फसल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पा रही, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद एक और बड़ी समस्या है कि जो भारत में जो रोड है, वह जो रोड है अच्छी रोड है, जो नेशनल हाईवेज हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, वो नेशनल हाईवेज कितने परसेंट हैं, वो 2% हैं। पूरे पूरे जो जितना है वो 2% है नेशनल हाईवे। हालांकि ये 40% का काम तो करते हैं, लेकिन कितने हैं, 2% हैं, हालांकि अब बढ़ चुका है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हमको क्या करना है, हमको बढ़ाना है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक और सिंगल रोड है बहुत, हाँ सिंगल रोड है अभिषेक। उसके बाद क्या है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स की कमी है। ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स क्या होते हैं, व्हाट इज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स? डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, और समर्पित जो है वह
ऐसा स्थल जो है वो बहुत कम है जो समर्पित हो, डेडिकेटेड हो, उनकी संख्या बहुत कम है। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स की क्या है भारत सरकार, वहां पे कम है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स जो है वो भारत में कम है। शीत भंडार कोल्ड स्टोरेज पे मैंने पहले ही बात कर दी, तो ये सब मैंने बता दिया कि यह सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद इस उद्योग को लेके राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या है, कहीं ना कहीं केंद्रीय कानूनों से शासित होता है। वर्तमान में ये जो उद्योग है वो राज्य स्तरीय और केंद्रीय कानूनों से शासित होता है, जिससे क्या होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सबसे बड़ी बात है कि भ्रम पैदा होता है, लोग कंफ्यूज बहुत करते हैं, तो कंफ्यूजन इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। उसके बाद लेबोरेटरीज नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि लेबोरेटरीज नहीं है बहुत, और बिना रिसर्च के आप कोई काम नहीं कर सकते, रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो रिसर्च का बहुत अभाव है, रिसर्च का बहुत अभाव है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, रिसर्च का बहुत अभाव है। चुनौतियों में प्रयोगशालाओं की कमी है जो खाद्य पदार्थों की जांच कर सके, ऐसे प्रयोगशालाओं की कमी है। पर्याप्त आधुनिक उपकरण नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कमी है कि पर्याप्त आधुनिक उपकरण नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये कहीं ना कहीं चुनौती हैं, चैलेंजेस हैं। उसके बाद भी और चैलेंजेस हो तो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है जो इसमें लगा हुआ है, वो ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। टैलेंटेड का मतलब है कि टैलेंट है उसके अंदर, लेकिन उसको क्या है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, गाइडेंस नहीं है। देखिए, याद रखिएगा, जितनी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, किसान ट्रेन स्टार्ट की गई है, अरे स्टार्ट की गई है लेकिन चल रही है क्या, स्टार्ट की गई है लेकिन चल रही है क्या मैडम? किसान ट्रेन से मामला नहीं है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बहुत कम है। कभी अगर इस पे क्लास आएगी मेरी, तो आप लोग देखिएगा कि मैं कितने डाटाज रख दूंगा आपके सामने और प्रूफ कर दूंगा ये आपको कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स की स्थापना की है। बहुत सारा प्रयास भारत सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है। सोनम पाल, यस ठीक है। ह्यूमन जो रिसोर्स है वो टैलेंटेड जो है, टैलेंट जो है उसके पास पर्याप्त है, लेकिन उस टैलेंट टैलेंट को गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लस जो साइंस एंड टेक, रीसेंट साइंस एंड टेक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी, उसका बहुत अभाव है। तो ये सब कुल मिला के क्या है, ये एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को आगे अब सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जरा देखिए, सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार ने किसान संपदा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लाई। सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने शीत श्रृंखलाएं शुरू की हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाना शुरू कर दिया, कोल्ड स्टोरेज। मूल्य वृद्धि कर रही है सरकार। सरकार फूड पार्क की स्थापना के लिए उसने क्या कर दिया, मेगा फूड पार्क्स की स्थापना करने के लिए लक्ष्य रख दिया। सरकार ने देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाने की बात की है, 42 मेगा फूड पार्क बनाने की बात की है। तो कुल मिलाकर सरकार इस दिशा में क्या है, संवेदनशील है, संवेदनशील है भारत सरकार। और इस संवेदनशीलता का क्या कर रही है, भारत सरकार चाहती है कि ये संवेदनशीलता वो रखे, ये रखे, संवेदनशील है। स्पष्ट रूप से इन सभी बाधाओं का निवारण करते हुए अब देखिए, ये निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष है। मैं आपके लिए निष्कर्ष पढ़ दे रहा हूं। निष्कर्ष क्या है कि बाधाएं बहुत हैं और उनका निवारण भारत सरकार चाहती है और वो कर भी रही है अपनी लेवल पे। सबसे बड़ा निवारण क्या भारत सरकार कर रही है, जैसे भारत सरकार खाद्य उत्पादों, FDI अलाउड कर दिया है भारत सरकार ने, FDI अलाउ किया है, 100% FDI है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% कर दिया है भारत सरकार ने। नाबार्ड के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष भी बना दिया है, एक विशेष कोष बनाया है। ये भी किसके लिए किया है सरकार ने, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये सारे काम जो है भारत सरकार ने क्या किया है, कर दिया है। भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का मतलब समझते हैं आप लोग, मेगा फूड पार्क,
मेगा फूड पार्क ये जो फूड पार्क है उससे थोड़ा सा बड़ा है। इसके कॉन्सेप्ट्स को मैं चर्चा करूंगा चंदा कुमारी जी, अभी खाली इतना समझिएगा फूड पार्क का मतलब क्या है, जहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, जहां पे खाद्य प्रसंस्करण होता है। मेगा फूड पार्क एक ऐसी एरिया होगी, बहुत बड़ी एरिया होगी, और उसमें क्या होंगे, उसमें सारे खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करने की बात की गई है। ठीक है सोनम पाल? नहीं सर, क्या क्या नहीं, नहीं सर एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे एक्सप्लेन कर दूंगा तो सब छूट जाएगा, आगे बहुत कुछ अभी करना है। अब मेगा फूड पार्क पढ़ाने लगूं, मतलब जो चीज आए सब पढ़ा दूंगा। मैं इतना स्मार्ट टीचर नहीं हूं जो यूट्यूब के और टीचर हैं उनकी उनकी तरह कि वो कुछ भी पढ़ा देंगे, इथिक्स भी पढ़ा देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, डिजास्टर, इकोनॉमिक्स। मैं बड़ा ताजुब खाता हूं कि सब कैसे पढ़ा सकते हैं। इतना अगर जानकारी थी तो हो क्यों नहीं गए, इतनी जानकारी भी तो आईएएस हो जाना चाहिए था। उनको सब कुछ आता है वहां पे, हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ा देंगे, पॉलिटी भी पढ़ा देंगे, इकोलॉजी पढ़ा देंगे, डिजास्टर भी पढ़ा देंगे, इथिक्स भी पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देते हैं वो। तो इतना अगर जानकारी थी उनके पास तो उनको तो आईएएस हो जाना चाहिए था। मैं ज्योग्राफी से आईएएस देता था, मेरा जो सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी था, और ज्योग्राफी का मैं ज्योग्राफी से ही आईएएस देता था, जो है जब मैं ऑप्शनल होता था तो ज्योग्राफी से ही। मैं एग्रीकल्चर इसलिए पढ़ा पाता हूँ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसलिए अच्छा पढ़ा सकता हूँ या पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है। इंडिया में कितना मेगा फूड पार्क है, 42 की बात की गई है, टोटल दो जो है टोटल 42 की बात की गई है मैडम, 42 मेगा पार्क्स बनाने की बात की गई है। अभी 42 मेगा पार्क जो है वो बनाने की बात भारत सरकार ने कर रखी है कि हम 42 मेगा पार्क बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए जरा निष्कर्ष देख लीजिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ज्योग्राफी मेरा भी है, जो हेल्प होगी सोनम बताना, मुझे टेलीग्राम पे लिखना, मैं तुम्हारी जो जहां तुमको प्रॉब्लम आए या जहां तुम्हें लगे कि ये यहाँ पे सर नोट्स नहीं है या ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, और खाली मेरी पीआईबी कर लो, पीआईबी सेकेंड पेपर तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा, पूरा पीआईबी कर लो, सेकेंड पेपर ऐसे ही तैयार हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। उसके बाद जरा यहां पे देखिए, यहां पर है क्या, यहां पर स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो बाधाओं का निवारण करके हम आगे बढ़ सकते हैं। पश्चिमी देशों की भांति जो वेस्टर्न देश हैं उनके बाद भारत में भी जो है वह रोजगार उत्पन्न करने वाला यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र क्या करेगा, किसानों में एक नए तरह की ऊर्जा का संचार करेगा, यह जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो किसानों में नए तरह का ऊर्जा का संचार करेगा, उनकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उपभोक्ताओं की जरूरत जो है, यहाँ पे जितने उपभोक्ता हैं उनको क्या होगा, उनको भी लाभ होगा, और रेडी टू ईट, उनके पास अब टाइम नहीं है तो उनको क्या हो जाएगा, रेडी टू ईट की व्यवस्था मिल जाएगी। इस तरह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, फार्मर क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर है, और लोग क्या हैं, लोग कंज्यूमर हैं, तो प्रोड्यूसर का भी बहुत फायदा होगा और कंज्यूमर को भी बहुत फायदा होगा। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर जो था उसकी 20 से 25% जो फसल नुकसान होती थी वो प्रोड्यूसर का नुकसान होता था। पता चला टमाटर उसने बोया है, टमाटर का निकला तोड़ा लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। अभिषेक तिवारी ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस पे है, पेड है, फ्री में नहीं है। अभिषेक तिवारी वो फ्री नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी तो ऐसी पढ़ाएंगे कि खुद लगेगा उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से है लेकिन वो पेड है भाई। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है, सब कुछ भी मुफ्त नहीं है, यू हैव टू पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम हो अभिषेक तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो जरूर पूछना मुझसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज जरूर मुझसे पूछ लेना। तो ये हो गया कुल मिला के, ये हो गया मैंने जो क्वेश्चन थे आपके वो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा एक चीज यहां पे और समझ लीजिएगा, अगर आप अपने थर्ड पेपर को देखें, थर्ड पेपर को, तो वहां पे आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात होगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात होगी, है कि नहीं है, है कि नहीं है। आईएएस बनना जिसको है, चंदा कुमारी जी अगर आईएएस बनना है, हिना खान साहब आईएएस बनना है तो सबसे पहला काम करिए सिलेबस को रट जाइए, सिलेबस को रट जाइए,
सिलेबस को रट जाइए। सबसे पहला काम करिए, हिना खान साहब चली गई क्या? हिना खान जी चली गई क्या? चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सिलेबस को रट जाइए। इस सिलेबस में थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की बात की गई है। हिना खान हैं, अच्छा धन्यवाद हिना खान साहब। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज की बात की गई है। हमेशा याद रखिएगा, जो बैकवर्ड लिंकेज है वो रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ है, मतलब जो फार्मर या प्रोड्यूसर से जुड़ा हुआ, प्रोड्यूसर से वो क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल देगा। मैं यही हूं सर, ठीक है ठीक है। आपका रहना हम सभी लोगों को गौरवान्वित करता है, आपका रहना हम सभी लोगों के अंदर इस विश्वास को भरता है कि आप हैं, आप बने रहिएगा। बैकवर्ड लिंकेजेस हैं ये, कि यहां पर प्रोड्यूसर या फार्मर है, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि मार्केट और मार्केट से कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब ये फार्म है, ये फार्म है, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो फार्म है, किसान का खेत है, और जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं वो आपका खाने का टेबल है, टेबल है, फोर्क है। तो इसी अवधारणा को कहा गया फार्म टू फोर्क, फार्म टू फोर्क मतलब किसान के खेत से लेके आपके मेज तक। आप समझे बात अभिषेक तिवारी, किसान के खेत से लेके आपके खाने के मेज तक, इसी को कहा गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऐसा मैनेजमेंट हो कि किसान से लेके फॉरवर्ड, बैकवर्ड लिंकेजेस से लेके फॉरवर्ड लिंकेजेस तक की व्यवस्थाएं हैं। कभी अगर और समय रहा तो बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे मैं क्लास ले लूंगा, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये हुआ क्वेश्चन आंसर का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आंसर का, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब मैं पीआईबी पे क्लास लेता हूं तो कम से कम जो है 1000 लोग उसको, 1-1.5 हजार लोग देखते हैं, 1-1.5 हजार लोगों के आसपास लोगों को ये पहुंचता है। और मैं ये देख रहा हूं कि कल मैंने क्लास लिया इस पे जो है, क्या इसको कहते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन पे, जो सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को और जो सही है उसको देखने वाले 100 लोग नहीं है। तो अगर ये रिस्पॉन्ड इसी तरह आया तो मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेंस का चीजें ही नहीं। मैं भी सबकी तरह वही लफाजेबाजी करता हूं, खूब एकदम अच्छी अच्छी बातें, लक्ष्यदार, आओ देखो सुनो जानो पहचानो कैसे जीवन चल रहा है, आओ बनो देखो कैसे आईएएस बना जा सकता है। इसी तरह मैं भी कर लूंगा फिर, क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है, उसको लोग देखता हूँ, उसको लोग 5-5 हजार लोग देखते हैं, क्या तुम बन सकते हो आईएएस? तो पता चला वही आप खाली देख रहे हैं। नहीं सर प्लीज क्लास कंटिन्यू करिएगा। सोनम कोई देख नहीं रहा है तो बताओ ना फिर, यूट्यूब के व्यूज एकदम गड़बड़ है ना, जब कोई देख ही नहीं रहा है तो क्या करूंगा मैं, 9 लोग हैं टोटल। और जो ये पढ़ाते हैं जानो पहचानो कैसे पढ़ा जाए, उसको पता नहीं कितने लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी पे जो लोग चर्चा करते हैं, उस स्ट्रेटजी पे ही पूरे पूरे साल से वो स्ट्रेटजी पे चर्चा कर रहे हैं। आप देख लीजिए कुछ लोगों को उठा के, सर हम लोग तो देख रहे हैं। नहीं सर, जब तक लिखा नहीं जाएगा तब तक यूपीएससी नहीं पाएगा कोई। यार एक बात बताओ, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी पे चर्चा होती है वो पूरे साल स्ट्रेटजी पे ही चर्चा करते हैं, और हर लड़का उस स्ट्रेटजी को देखता रहता है, और यहां पे जो रियल स्ट्रेटजी है जिसपे काम करना है उसको देखने वाला कोई नहीं है। चलिए अगर ये रिस्पॉन्ड इसी तरह से रहा, देखिए होता क्या है कि अगर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा नहीं आएगा, आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप लोग अगर कमेंट्स नहीं लिखेंगे, कमेंट्स जैसे कमेंट्स बॉक्स में जाके क्लास खत्म हो तो उसमें जरूर लिखा करिए कि क्लास कितनी एसेंशियल है सभी लोगों के लिए, और इसी क्लास की जरूरत है सबको यूपीएससी के लिए। तो अगर आप इस तरह नहीं होगा तो ये क्लास बहुत दिन ज्यादा मुझको अकेडमी पे इस तरह से मेंस पे कंटिन्यू करने का अधिकार नहीं होगा। हाँ यहां प्री के फैक्ट्स से आते हैं, और उससे कुछ आना नहीं है, उससे कुछ नहीं आना है, उससे कुछ भी होना नहीं है। चलिए चलते हैं, हम लोग चलते हैं, एक न्यूज छोटी सी ले लेते हैं। देखिए आने वाले समय में जब हम लोग का धीरे धीरे मैं इतना इम्प्रूव कर दूंगा कि जो आपका नवंबर आएगा, समझिएगा नवंबर से सबको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मिलेगा। और प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को आप शेयर बहुत करिए ताकि लोग उस पर जुड़ जाएं। अब ये पीडीएफ मिलेगा, प्लस जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे अपना पीआईबी का,
और सैटरडे और संडे ये जो दो क्लासेस हैं वो हम लोग लेंगे किस पे, वो हम लोग मेंस पे लेंगे, मेंस पे लेंगे। तो ये चीजें हम लोग करेंगे, सोसाइटी हम लोग कर ही रहे हैं। और एक क्लास में और लेने की सोच रहा हूं, वो है करंट ज्योग्राफी। करंट ज्योग्राफी, करंट ज्योग्राफी का मतलब होता है कि अगर हैदराबाद में, हैदराबाद में साइक्लोन आया और पानी बहुत गिरा तो वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कहीं पे बादल फटा, बादल फट रहा है तो बादल क्यों फट रहा है, और वो वहीं क्यों फटा, क्यों नहीं 50 किलोमीटर आगे फटा या 50 किलोमीटर पीछे फटा, वहीं क्यों फटा, बादल फटने की फ्रीक्वेंसी क्यों ज्यादा है। जैसे कहीं अर्थक्वेक आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो, हवाईयन आइसलैंड पे अगर अर्थक्वेक आया तो वो वहां पे क्यों आया, या आप ले लो, लेकिन फिर वही है ना, मैं पढ़ा तो दूंगा, कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो मैं क्या पढ़ाऊं। मेरे समझ में नहीं आता कि अगर मान लो कोई देखे ही ना, कोई सुने ही ना मुझको, तो मैं पढ़ा के करूंगा क्या। हिना खान साहब ज्योग्राफी, घबराइए मत, अगर ज्योग्राफी लूंगा तो याद रखिएगा कि ज्योग्राफी में कुछ बचेगा नहीं। जब तक नहीं ले रहा हूं तभी तक ठीक है, जिस दिन ले लिया उस दिन बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं। सब कुछ एनालिसिस फॉर्म में, अगर ज्योग्राफी भी लेंगे तो सब कुछ एनालिसिस, मतलब अगर सूरज, अगर हम, मैं कोई बात कहता हूं कि इंसुलेशन बढ़ा, तो इंसुलेशन क्यों बढ़ा, इसका पूरा रीजन होना चाहिए। ठंडी आ रही है तो ठंडी क्यों आ रही है, गर्मी आ रही है तो गर्मी क्यों आ रही है, बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ क्यों आ रहा है, बाढ़ मतलब एक एक चीज का आपको कारण पता होगा कि हाँ ये है इसीलिए ये हो रहा है। आप लोग एकदम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगेंगे कि मानसून में यही घटना हो रही है। ये सब कभी आएगा, टाइम तो करेंगे। अभी एक लेते हैं, खबर है G20 पे, एक खबर है G20 पे, एक खबर ये आई कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर से आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू से आते हैं ये, इन्होंने कल जो है एक बैठक G20 पे थी, उस बैठक को इन्होंने क्या किया, सर जो 1,000 पढ़ा रहे हैं उसमें कितने लोग पढ़ाते हैं, सिर्फ एक दूसरे के साथ कमेंट करते हैं। अच्छा सर, जो लोग 1,000 पढ़ रहे हैं, हाँ ये बात बेटा सही है तुम्हारी कि जो उसमें 1,000 पढ़ रहे हैं ना, वो उसमें कितने लोग पढ़ते हैं वो खाली एक दूसरे को कमेंट करते हैं, हाँ ये बात तो सही है। और मेरे, मैं एक बात तो मैं बहुत अच्छा, मैं पता है मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ चंदा, कि मेरे पास बड़े सिंसियर बच्चे हैं। मेरे पास अभिषेक जैसा लड़का है कि अभिषेक है मेरे साथ, मेरे साथ सोनम पाल जी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ चंदा कुमारी हैं, मेरे साथ जो है हिना खान साहब हैं, अभिषेक तिवारी, हिना खान साहब, और अगर देखा जाए तो शाश्वत सिंह हैं जो जुड़े रहते हैं मेरे साथ हमेशा। वहीं पे मैं देखता हूँ गरिमा सिंह हमेशा रहती हैं, सुप्रिया सिंह भी रहती हैं, तो ये जो भी मेरे अपने भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, शिवानी सिंह रहती हैं जिनका बड़ा सहयोग रहता है, तो ये लोग बड़े सिंसियर देखते हैं। मैं कभी भी ग्रुप बॉक्स में नहीं देखता कि कमेंट एक दूसरे को गंदा कर रहे हो या मुझे कभी कोई खराबी बोल रहे हो, मैं देखता हूँ बड़ा सिंसियरिटी रहती है। और मैं इसके लिए ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे छात्र उन्होंने मुझे मतलब दिया, और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने सिंसियरली तरीके से आप मुझको सुनते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा मैं न्यूज़ ले लेता हूँ, फिर हम लोग इस क्लास को एंड अप करेंगे। देखिए न्यूज़ को कैसे पढ़ा जाता है। सुप्रिया सिंह जुड़ने के लिए धन्यवाद सर, हम लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे सर। अगर आप लोग, मैं आपको पूरी उम्मीद दिलाता हूँ, खाली 1 ईयर फॉलो कर लीजिए मेरे साथ, 1 साल फॉलो कर लीजिए, मैं आपके लिए कर क्या दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपका पूरा थर्ड पेपर, थर्ड पेपर, और उस थर्ड पेपर में भी सर आपके 10 स्टूडेंट ही आपका नाम आगे करेंगे। हाँ जरा ये समझ लीजिएगा, जो थर्ड पेपर है उसमें खासकर जो एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्री है, खासकर इंडस्ट्री, जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, ये थर्ड पेपर। इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर में सोसाइटी, सोसाइटी और ज्योग्राफी, थर्ड पेपर में अगर आप जाएंगे तो इकोलॉजी, डिजास्टर, डिजास्टर, और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इस पे मैं इतने विषय पे मैं आपको 1 साल में इतना ज्यादा मतलब कर दूंगा कि आप मेंस प्लस पीटी, मेंस में 80% और पीटी में 60% मैं आपको क्या कर दूंगा, मैच्योर कर दूंगा। 80% क्यों, 80% से ज्यादा नहीं दावा कर सकता हूं,
80% मैं आपको इस तरह से कर दूंगा कि आप सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, और पीटी में 60% मैं आपको इस तरह बना दूंगा कि आप क्या है, आप चीजों को एग्रीकल्चर वाले चीजों को, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट मॉडल, इकोलॉजी, डिजास्टर, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, आपका बेहतरीन हो जाएगा, आपका बेहतरीन हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं है मुझे। अब जरा चलते हैं, हम लोग चलते हैं भ्रष्टाचार पे। यहां पर हुआ क्या, मुद्दा क्या है, केंद्रीय मंत्री साहब जो हमारे जितेंद्र साहब हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह साहब जो है वो उन्होंने क्या है भ्रष्टाचार पे बात की है, भ्रष्टाचार पे, और G20 की बैठक को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने संबोधित किया है। तो जो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है जितेंद्र साहब का, ये थोड़ा सा आप लोग इस बात को समझिएगा कि जो भ्रष्टाचार पे ये बात कह रहे हैं, कि भ्रष्टाचार पे ये चीजों को कह रहे हैं, तो उस भ्रष्टाचार में क्या है कि भारत को अगर देखा जाए कि भारत में जो भ्रष्टाचार का संदर्भ है, तो अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, तो आपको भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलेगी, जो प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान है। और अगर आप देखें तो ये भ्रष्टाचार वहां से बढ़ते बढ़ते, उन चीजों से बढ़ते हुए क्या होगा, वह उन चीजों से बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मध्यकाल तक, मध्यकाल के बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश में भी भ्रष्टाचार की चीजों को देखने को मिलता है, मुगल वंश तक देखने को मिलता है, उसमें भ्रष्टाचार की जड़ें भारत में विद्यमान आपको देखने को मिलती हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को देखने को मिलता है, और धीरे धीरे उसके बाद क्या है, उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में, और अंग्रेजों के जमाने के बाद फिर जो है अब, मतलब अगर हम देखें, अगर भ्रष्टाचार को देखें, तो हम मौर्य के समय से भी देख सकते हैं भ्रष्टाचार को, मौर्य काल में भी भ्रष्टाचार था, गुप्त काल में भी भ्रष्टाचार है, उस कनिष्क के काल में भी भ्रष्टाचार है, तो वहां से लेते हुए गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश और लोधी वंश तक, मतलब मध्य काल में भी आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में भी, और अब अंग्रेजों से आजादी पाने के बाद भी भ्रष्टाचार। तो मतलब इसकी जो जड़ें हैं भारत में वो क्या है, वो गहरी हैं, और इन गहरी जड़ों को देखते हुए कल अरे रिंकी रानी, थैंक यू सर, कब आई हो रिंकी रानी, चली गई क्या? अच्छा, रिंकी रानी अभी आई थी, लग रहा है चली गई। तो ये है भ्रष्टाचार की भारत में जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, और इन जड़ों को देखते हुए कल G20 की बैठक थी, और उस G20 की बैठक को संबोधित किया गया, किसके द्वारा संबोधित किया गया, तो कल G20 की बैठक को संबोधित किया गया, हमारे जो मंत्री साहब हैं उनके द्वारा संबोधित किया गया। और इस संबोधन में उन्होंने क्या बोला, तो इस संबोधन को में उन्होंने भारत में या विश्व में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर व्याख्यान दिया, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने व्याख्यान दिया, और उस व्याख्यान में उन्होंने भ्रष्टाचार के स्रोत और कारकों पे बात की। हाँ, लॉर्ड कार्नवालिस भी पैसा बढ़ा दिया था करप्शन को रोकने के लिए, सही बात है। तो उस पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रमुख स्रोत और कारकों पे चर्चा की। उन्होंने कहा, उन्होंने जिन कारकों पे चर्चा की या जो चीजें उन्होंने कहा वो तो ठीक है, चलिए भ्रष्टाचार पे बातें की, भारत में जो गहरी जड़ें हैं उन गहरी जड़ों का नाता अगर हम देखते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार क्यों है, तो मैं खाली देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो मैं बहुत तेजी से बोल देता हूँ, आप समझिएगा, इस पर हम लोग टॉपिक बढ़िया से करेंगे। असल में जो हमारा सामाजिक जीवन है, जो लोग सोसाइटी हमसे पढ़ रहे हैं वो समझिएगा भ्रष्टाचार सोसाइटी में कैसे अंतर आ रहा है। तो जो हमारा सामाजिक जीवन है, उस सामाजिक जीवन में कल पढ़ा था सोसाइटी में, हम लोगों ने भौतिकतावाद पढ़ी थी, भौतिकतावाद पढ़ा था कि नहीं अभिषेक, कल पढ़ा था ना सोनमपाल, कल पढ़ा था ना भौतिकतावाद हम लोगों ने। जो हमारा समाज है उस समाज में, सामाजिक जीवन में जो क्या हो रहा है, हाँ पढ़ा था, सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी जो है, पहले हमारा समाज क्या था, आध्यात्मिकतावाद पे था, और इस आध्यात्मिकतावाद से अब हमारा सोसाइटी जो है वो शिफ्ट कर गया है किस पे, भौतिकतावाद पे, और इस भौतिकतावाद के कारण हमारा जो जीवन है वो क्या हो रहा है, वो उपभोक्तावाद पे बढ़ रहा है। हर चीज हम उपभोग करना चाहते हैं, उपभोक्तावाद, हम हर चीज के लिए कंज्यूमर बन रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स हो उसके लिए भी हम कंज्यूमर हैं। तो उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, और इस उपभोक्तावाद के कारण हमारी जो सत्यनिष्ठा है, हमारी जो इथिक्स है, हमारा जो इथिक्स है वो क्या हो रहा है,
रिंकी रानी नहीं पढ़े हैं, रिंकी रानी मैं क्लास ले रहा हूं सोसाइटी पे, आप ऐप पे मुझको आज फॉलो कर लीजिए, ऐप पे मुझको जाके फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम अगर ज्वाइन किए तो टेलीग्राम से आपको लिंक मिल जाएगा। तो इथिक्स आपका क्या है, वहां पे आप इथिक्स को कर लीजिए, मतलब आप जो है क्या है कि जो सामाजिक जो जीवन है उसमें आध्यात्मिकता की कमी आ रही है, भौतिकता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उपभोक्तावादी संस्कृति में क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, और इस उपभोक्तावादी संस्कृति में बढ़ावा मिलने के कारण, इस स्थिति को बढ़ावा मिलने के कारण क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं क्या हो रही हैं, जन्म ले रही हैं, क्योंकि उपभोक्तावाद जो है वो भ्रष्टाचार को जन्म देगा ही देगा। एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन अगर मैं आपके लिए पढ़ दूं या बता दूं आपके लिए, तो हो क्या रहा है कि अभी क्या है, हर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं उसके मन में धन और सत्ता की लालसा है, और उस धन और सत्ता की लालसा को वो शॉर्ट ट्रिक से पाना चाहता है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि बहुत कम समय में बहुत जाना, ज्यादा जाना चाहता है। सर मैं तो पूरी वीडियो देख के जाती हूं। नहीं, ऐप पे, ऐप पे अनअकैडमी के ऐप पे मैं सोसाइटी के क्लास ले रहा हूं, उस पर रिंकी रानी देख लो, उस पर कल मैंने बात की है, भौतिकतावाद पे बात की है, आध्यात्मवाद पे बात की है, कल मैंने पूरा क्लास लिया है इस पे, उसको जाके ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। भारत में जो भ्रष्टाचार है इसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी हैं, और इन जड़ों के गहरी होने के कारण आप समझिएगा, दूसरा क्या है कि गलत संसाधनों की प्राप्ति हम करते हैं, और ये गलत संसाधनों की प्राप्ति भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो निम्न और मध्यमवर्ती लोग हैं, अब मेरा मेरी बात समझिएगा, ये जो लोग मुझसे सोसाइटी पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी कि जो हमारा निम्न और मध्यम वर्ग है, कल मैंने जो लोग सोसाइटी पढ़ रहे थे, कल हमने अपने क्लास को डिवाइड किया था, हम लोगों ने कहा था कि हमारा समाज वर्गीय समाज है, वर्ग है, और इस वर्ग में मैंने एक तो कास्ट बता दिया था कि कास्ट है, और दूसरा मैंने कहा था कि हम उपलब्धियों के आधार पर वर्गों में बटे हुए हैं। उसमें हम लोगों ने कहा था कि एक हाई क्लास है, हाई क्लास है, एक मिडिल क्लास है, और एक लोअर क्लास है। जो मिडिल क्लास है वो भी बटा हुआ है, अपर मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, बताया था। जो लोअर मिडिल क्लास है वो कैसा है, अबव पॉवर्टी लाइन है, कॉस्ट ऑफ क्लास हो गया, हाँ कास्ट ऑफ क्लास हो गई है, सही बात है, अबव पॉवर्टी लाइन है और बिलो पॉवर्टी लाइन है। तिवारी जी, अगर ब्राह्मणों में देखा जाए तो गरीब ब्राह्मण है और अमीर ब्राह्मण है, और जो गरीब ब्राह्मण है वह कभी भी अमीर ब्राह्मण के साथ नहीं बैठ पा रहा है, अंतर हो गया है। अब जरा यहां पे समझिएगा, जो वर्गीय मामला है तो यहां निम्न और मध्यम दो वर्ग पाए जाएंगे, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग है। यहां पर याद रखिएगा, ये मैंने कल पढ़ाया था, अब इसी को मैं जोड़ देता हूं यहां पर भ्रष्टाचार में, जो हमारा निम्न और मध्यम वर्ग है, और मध्यम वर्ग में भी जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास वो क्या है, वो कॉपी कैट है, वो हर चीज को कॉपी करता है। हाँ ये हिमांशु सिंह, हाँ मुकुल देव यूपी, नहीं मुकुल देव यूपीएससी ऑब्लिक नहीं है हिमांशु जी, वहां पे मुकुल देव यूपीएससी ऑब्लिक यूपी पीएससी है, ये आपने गलत भेज दिया है, आपने गलत भेज दिया है, मुकुल देव ऑब्लिक यूपीएससी ऑब्लिक यूपी पीसीएस नहीं है, मुकुल देव यूपीएससी फिर यूपी पीएससी है, यूपी पीसीएस है, थोड़ा सा आप उसको सुधार कर लीजिए, और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस पे जुड़ जाइए, आप लोग मुझे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो ये मिल जाएगा। हिमांशु सिंह आपने गलत लिखा है और आप सुधारने का प्रयास भी नहीं कर पा रहे हैं, हाँ देख लीजिए सर, ठीक है। आप जरा समझिएगा मेरा यहाँ जो है कि यहाँ का जो निम्न और मध्यम वर्ग है वो कॉपी कैट है। कॉपी कैट का मतलब होता है कि वह चीजों को बहुत जल्दी आत्मसात करता है, और उस आत्मसात करने के चक्कर में वो अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। पहले हाई क्लास भी उपभोक्तावादी संस्कृति पे था, हाई क्लास और अपर क्लास, अब ये लोअर मिडिल क्लास भी इसको कॉपी करना चाहता है, और उसके पास उतना पैसा है नहीं, तो पैसा है नहीं तो वो क्या करता है, वो भ्रष्टाचार करता है। और भारत में जो अधिकांश वर्ग है वो कैसा है, लोअर मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का और अबव पॉवर्टी लाइन का ही है। तो ये क्या है, कॉपी कैट के चक्कर में बहुत ज्यादा जो है वो चीजों को कर रहे हैं। हिमांशु सिंह आप थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल को सही से लिख दीजिए, गलत लिखा है आपने। मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती यहाँ पे कर्मचारियां, यहाँ पर क्या है, जो कर्मचारी है उनका वेतन बहुत कम है, इसलिए जो है भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा है।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो नियम है वो अस्पष्ट है, कानून और अत्यंत धीमी न्यायिक प्रक्रिया है, तो इन प्रक्रियाओं के कारण क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। कल हमारे जो माननीय भारत के मंत्री साहब थे, उन्होंने क्या कहा, जितेंद्र सिंह साहब ने कल एक कार्य समूह बैठक जिसमें G20 भ्रष्टाचार निरोधी बैठक पे उन्होंने कार्य समूह पे किया, इस पे मैंने आपसे बात की कि भारत में भ्रष्टाचार क्यों है, भारत में भ्रष्टाचार के कारण क्या है, कारक क्या है, मैंने इस पे बात की। अब थोड़ा सा इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो इंडियन एफर्ट है, जो भारत का एफर्ट है भ्रष्टाचार को लेके, वो बड़ा ही अच्छा है। 1988 का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि हमारे यहाँ जो नियम थे वो 1988 में थे, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 88 के जो भ्रष्टाचार का निवारण अधिनियम था उसको क्या है, बदला गया और एक नया अधिनियम लाया गया है, एक नई व्यवस्था लाई गई है। और उस नई व्यवस्था में रिश्वत लेना, पहले तो क्या होता था, रिश्वत खाली जो देता था वही अपराधी होता था, रिश्वत देते हुए पकड़े गए तो आप जाएंगे, रिश्वत जो ले रहा है वो पकड़ा गया, जैसे आप मुझको दे रहे हैं और मैं पकड़ा गया, मैं गया जेल। लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने एक और ला दिया कि जो रिश्वत दे रहा होगा वो भी जाएगा जेल, मतलब ये भी अपराध है और ये भी अपराध है। तो अब क्या होगा, अब दोनों लोगों में अच्छा संबंध हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि समझिएगा, 2018 में संशोधन करके उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने के अलावा रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़ा मतलब भ्रष्टाचार को रोकने का एक प्रयास है कि ऐसा नहीं होता, कई बार होता है कि लेना नहीं चाहता लेकिन देने वाला बहुत प्रेस करता है तो लेने वाले को लगता है ले लो यार जब दे रहा है। तो अब दोनों को अपराध कर दिया गया अपराध की श्रेणी में, तो ये भ्रष्टाचार को रोकने का भारत सरकार का प्रयास है। कारक मैंने बता दिया कि कारक क्या क्या है। उसके बाद अगर आप देखें तो व्यक्तियों के साथ साथ जो कॉरपोरेट इकाइयां हैं, जो कॉरपोरेट आपके कल्चर्स हैं या कॉरपोरेट जो जगत है आपका, अगर वो ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहा है तो उनको भी कारागार निवारक लागू करने का प्रावधान है। आप कॉरपोरेट इकाइयां भी अब शामिल हैं, पहले व्यक्ति था, अब कॉरपोरेट इकाइयां को भी उसमें क्या कर दिया गया, शामिल कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने जो अभी जो नीरव मोदी साहब हैं, नीरव मोदी का नाम सुना है सब लोगों ने, नीरव मोदी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं सब लोग, नीरव मोदी साहब को आरटीआई में बदलाव हुआ उससे भी करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत बड़ा बहस है, ये बहुत बड़ा बहस है अभिषेक, ये बहुत बड़ा बहस है कि आरटीआई में बदलाव हुआ उससे भी करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, ये बहुत बड़ा बहस है, कभी करेंगे इस पर। थोड़ा सा बस मुझको अब ये क्लास एंड करनी है, तो थोड़ा एक दो तीन बातें बस इस पर समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन करूंगा भ्रष्टाचार वाला जो टॉपिक है इस पे क्वेश्चन करूंगा, तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। भागौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक जो 2018 है, इसमें एक काम किया गया था, समझिएगा इस बात को, क्योंकि जो नीरव मोदी हैं, जो विजय माल्या का नाम सुना है, विजय माल्या, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, यहाँ आर्थिक धोखाधड़ी करते हैं और यहां से निकल जाते हैं, तो ये यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार के बाद क्या होते हैं, धीरे से यहां से निकल जाते हैं। तो इनको क्या है, इन लोगों को इस भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018 में इनको क्या किया गया, इनके लिए कुछ प्रावधान किया गया है, और उस प्रावधान में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को आप जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो है घोषित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार एक सक्षम आवेदन करेगा, किसके सामने करेगा, विशेष न्यायालय के सामने एक सक्षम आवेदन करेगा कि हम इस आदमी को क्या करना है, इस आदमी को इकोनॉमिक ऑफेंडर बना रहे हैं, ये आर्थिक रूप से इसने क्या किया, गबन कर लिया है, तो इस चीजों को करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 आया। और उसमें उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करना, जो उसकी संपत्ति है उसको जब्त करना, और जब्त करके उसके प्रबंधन, उसको मैनेज करके निपटान, बेचना और बेचकर वापस उन लोगों का पैसा देना, तो इससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार किया है उसको सबक मिलेगी। तो ये भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, ठीक है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब भारत सरकार के प्रयास हैं, ये सब भारत सरकार का प्रयास है। जी ग्रुप को आप लोग जानते हैं कि G20 है वो क्या है, इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, अपने आर्थिक इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सदस्य इसमें होते हैं, और ये G20 जो है, G20 से जो आपका आशय है इसमें क्या होता है,
यहां पर सिस्टमेटिकली लोग बैठते हैं और तमाम जो है कॉपरेशंस के मुद्दे पे क्या होती है, बात होती है, तमाम कॉपरेशंस के मुद्दे पे बात होती है। इसको फिर चीजों को हम लोग देखेंगे ढंग से चीजों को। यहां पे मैं आप लोगों को, सभी लोगों को मैं खुद थैंक यू बोलना चाहता हूं कि इतने लंबे समय तक आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी सारी चीजों को सुना। जिसको फिर से मुझसे जुड़ना है वो 11 से 12 हम लोग बड़ा रिलैक्स फॉर्म में मैपिंग करने जा रहे हैं, और मैपिंग में बड़ा मजा आएगा आपको। वो इजी क्लास है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जुड़ सकते हैं तो वहां जुड़ लीजिए। सोसाइटी पे फिर हम लोग शाम को मिलेंगे, 4 से 5 मिलेंगे, और फिर जो है सोसाइटी के बाद 4 से 5 मिलने के बाद हम लोग फिर जो है रात में 10 से 11 मिलेंगे। तो आप लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के बाद। जय माता दी। हिना खान साहब मेरी शुभकामनाएं, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।